من بسم उबिल् الرحمن रजीम السلام असल वरम्त लाही वबरकत हो وسهلا مرحبا بكم कैसे हैं सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने अभी हिफ्स कंप्लीट किया अपना कितनी आयत याद हो गई आप सबको अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए आप ये खजाना अपने दिलों के अंदर समेट रहे हैं जैसे कि कुरान पाक में अल्लाह तलाशात है ना कि हुआ खैर यजमाउन तो ये कुरान हर उस चीज से बेहतर है जो इंसान समेटता है जिसकी हिज करता है जिसका शौक़ रखता है जिससे मोहब्बत रखता है तो क़ुरान से बढ़कर तो कोई और चीज़ इंसान अपने लिए जखीरा नहीं कर सकता इन आयात को जब आप सीखते हैं और फिर आपके दिल में ये समा जाती हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने आपको चुना क्योंकि आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह, आपने थोड़े से अरसे में इतनी सारी आयत को जो है वो याद कर लिया तो ये अल्लाह की तौफीक है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह ताला आप सब का आना कबूल फरमाए हिदायत के रास्ते आसान फरमाए और ये जो मजालिस जिनको हम अटेंड करते हैं अल्लाह ताला इन इनके जरिए से हमें अल्लाह का कुर्ब नसीब हो और क्यामत के रोज ये कुरान जो है वो हमारे हक में गवाही देने वाला हो क्योंकि आप देखें ना कुरान पाक सिफारिश करेगा ना और कुरान के साथ तो मैं कहती हूँ कि जो दोस्ती है वो ऐसी दोस्ती है कि कुरान पाक ना सिर्फ दुनिया में बल्कि बर्जा की जिंदगी कब्र में और फिर उसके बाद क्यामत के रोज ये दोस्ती निभाएगा कोई और ऐसा हमारा दोस्त या साथी हम उस पर नहीं एतबार कर सकते औलाद और हमारे प्यारे और हमारा माल सब कबर तक तो जाएंगे लेकिन कबर में उतारने में के बाद तो कोई साथ नहीं होगा लेकिन कुरान पाक के बारे में क्या आता है कि वो कबर में भी इंसान को जो है आके दिलासा देगा और क्यामत के दिन तो कुरान इंसान की शक्ल में आएगा और कहेगा कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें रात को बेदार रखा और दिन में प्यासा रखा सुबहान अल्लाह तो जो मुशक्क़त उठा रहे हैं ना कुरान को याद करते हुए बार बार दोहराते हैं कुछ मुशक्कत से गुजरते हैं रात को भी आ रही होती है ख्वाब में आयात और दिन को भी आपकी कोशिश होती है वक्त पे पहुंच जाएं क्लास को ज्वाइन रखें मिस ना करें तो आप देखें ये सारी मुशक्क़त जो है ना ये एक्नॉलेज हो रही है अल्लाह सुबहतला के हाँ कबरदानी भी हो रही है और फिर ये कि कुरान भी याद कराएगा कि तुम वही हो ना कि तुम मुझे पढ़ा करते थे और फिर तुम रात को जाग जाग कर देखा करते थे मुझे और दिन को भी तुम्हें फिक्र नहीं होती थी अपने खाने पीने की तुम बस मुझे याद करते थे अब रोजा आ रहा है तो उसमें क्या होगा प्यास भी होगी भूख भी होगी फिर भी हम हिफ्स कर रहे होंगे एक दौरा कुरान सुन रहे होंगे तो अलहमद ला आप देखें कितना खूबसूरत अल्लाह ताली ने हमारी जिंदगियों के अंदर जो कि बेरोनक जिंदगियां थी कुरान के बग़ैर कैसी बहार आ गई ना और वी हैव अ पर्पस एक पर्पज़ फुल ज़िंदगी हम सब गुजार रहे हैं हमारे दिन रात जाया नहीं जा रहे कि हम बेफजूल जो है वो इधर उधर भटक रहे हैं और ऐसे कामों में वक्त लगा रहे हैं जिनका आखिर में कोई फ़ायदा नहीं ना ही दुनिया में कोई फ़ायदा है उनका तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक इंसान की ज़िंदगी पर्पसफुल बन जाती है तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है हम सब पर हमें इसकी जो है इसको फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए और हमें इसको एक्नॉलेज भी करना चाहिए और अल्लाह से और भी मांगना चाहिए कि हम जितनी आजी शो करेंगे जितना हम शुक्र अदा करेंगे तो शुक्र क्या करता है नेमतों को महफूज कर लेता है तो आपको पता है ना कि कुरान के साथ जो इंसान जो लम्हे गुजारता है वो लम्हे क्या बन जाते हैं ये बताइए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अब तक तो इतना जान चुके हैं ना बेहतरीन है और अल्लाह के हाँ वो काउंट वो किस में लिखे जाते हैं शाबाश शाहबाशल वो इबादत में लिखे जाते हैं बिल्कुल तो चले अब ये है कि हमें अपनी नीयतों को अल्लाह के लिए खालिज करने की जरूरत है ना ताकि हम किसी भी तरीके से शैतान के बहकावे में ना आ जाए और हर लम्हा अपनी नीयतों को चेक करते रहें एक जो स्कॉलर थे उन्होंने कहा कि इंसान को अपनी नियतें तीन मौके पे चेक करनी चाहिए किसी काम के आगाज़ में किसी काम के दरमियान में और किसी काम उसी काम के आखिर में तो इससे क्या पता चलता है कि बार बार चटोले कि क्या मैंने जिस नीयत से क्लास को ज्वाइन किया ड्यूरिंग द क्लास भी वही नीयत है मेरी कि अल्लाह ही मुझसे राजी हो और क्या इख्ताम पर भी वही नीयत है कोई तब्दीली तो उसमें नहीं हुई होता ना बात हमने जब अगर कुछ रखा होता है हम कुछ पका रहे होते हैं चूल्हे पर तो हम क्या करते हैं हम बार बार चेक करते हैं कहीं वो जल तो नहीं गया कहीं वो लग तो नहीं गया कहीं जो है वो उसको अटेंशन की जरूरत तो नहीं है तो एक हांडी के लिए तो हम इतना तरद करते हैं बार बार चेक करते हैं तो एक अमल जो हम अल्लाह के हाँ उसको भेज रहे हैं हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि हमें उस पर अजन मिलेगा अल्लाह हमसे राजी होगा तो क्या उसको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है कि हमारी नीयत क्या है अल्हमदल्ला तो चलें मिलकर हम दुआ मांगते हैं हजरत उमर वाली पहले मांगते हैं आप लोगों को याद तो हो गई ना अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज मांग रहे हैं तो याद तो हो जानी चाहिए अब तक इंशाल्लाह ताला तो ये देखते हैं स्क्रीन पर और साथ ही सुनते हैं और आप मांगे इसको ठीक है ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجعل عملي كله صالحا.

और आप जो ये अमल कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है उसके चेहरे के लिए और आप किसी और को इसमें शरीक नहीं करना चाहते कि वो कुछ हिस्सा ले जाए कोई रियाकारी हो जाए या कोई शो ऑफ हो जाए या हम कोई ऐसी बात कर दें कि हमारा जो अजर है नीयत का वो कम हो जाए उस अमल में अल्हम्दुलिल्लाह चले इन बारक अल्लाह फ़ीकुम अब हम देख लेते हैं दौरा कुरान जुज नाइन आप लोगों ने कल कम्प्लीट किया था कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलकर दोहरा लेते हैं आप लोग तैयार हैं चलें फिर देखते हैं जो हमारी पहली आयत है हम शुरू करेंगे आयत नंबर अल-आराफ की आयत नंबर नाइनटी फाइव और इसमें यह बताइएगा देखते हैं कि मकान सही अतिल हसना क्या नेमतों की फरावानी भी आजमाइश होती है जी आगे देखिए कैसे होती है ये बताइए नेमतों की फरावानी तो ऐसा नहीं लगता है जैसे अल्लाह बहुत हमसे राज़ी है और हर चीज़ जो है वो मिल रही है हर चीज़ जो है वो अल्लाह की नेमतें जो हैं दरवाजे खुले हुए हैं और इंसान समझता है कि मैंने तो अपनी बहुत मेहनत जो की है उसका मुझे सिला मिल रहा है और जहां वो हाथ डालता है उसको कामयाबी कामयाबी हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह ताला खुश है उससे क्या नेमतों का मिलना ये बताता है जी ये तो आजमाइश है अच्छा ये बताइए कि नियमतों की फर, फरावानी जो है वो कैसे आजमाइश हो जाती है कैसे आजमाइश होती है वो कि इंसान जो है फिर क्या करता है अल्लाह को भूल जाता है ना जिसने नेमतें दी हैं उनको उसको तो भूल जाता है और नेमतों का गलत इस्तेमाल करता है बिल्कुल सही और और मजीद क्या करता है ना शुक्री करता है उन नेमतों को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल कर जाता है चलें आगे देखते हैं की 96 है, अन्ना कुरा आमनू वत्तकौ, वत्तकौ। तो इस आयत से बताइए कि बरकत से क्या मुराद है इस आयत में बरकत बारा काफ काफ़ से है ना ये इसका रूट है तो क्या होती है बराका खैर शाबाश बाराकल्लाफी को हम देखते हैं आगे कि किसी चीज में अल्लाह अल्ह ताला की तरफ से खैर होना अच्छा किन चीजों में बरकत होती है हम बरकत किन किन चीजों में मांगते हैं अल्लाह से हम किन किन चीजों में बरकत मांगते हैं माल में वक्त में रिस्क में में और में में रिस्क औलाद और शाबाश हेल्थ अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि हमें हर चीज में ही बरकत चाहिए ठीक है ना तो ये बताइए कि कौन सी दो चीजें बरकत में इजाफे का सबब बनती हैं वो क्या दो चीजें हैं जो कि हमारी जो नेमतें हैं उनमें बरकत को बढ़ा देती हैं चले इसका जवाब देखते हैं आप लोगों ने सही लिखा एक तो है तकवा से पहले ईमान है यानी कि जब इंसान ईमान लेकर आता है अल्लाह पर अल्लाह के फरिश्तों पर रसूलों पर किताब पर जन्नत जहन्नुम योम आखरत पे तकदीर पर और साथ में उसके अंदर तकवा भी होता है और तकवा आपने क्या सीखा क्योंकि रमदान में जो रोजे हैं उनका मकसद भी तकवा है और कुरान में भी कहा गया कि ये मुत्तकीन, इससे हिदायत को मिलेगी जिनके अंदर तकवा है तो तकवा क्या है अल्लाह का शुक्र है जी गुनाहों से अपने आप को बचाना और नेकियों में आगे बढ़ना ताकि अल्लाह हमसे राजी रहे और किस चीज़ का खौफ हो कि अल्लाह नाराज ना हो जाए ऐसे काम ना करें जो अल्लाह के कि कुर्ब के बजाय हमें दूरी नसीब हो अल्लाह की और उसके अलावा ऐसे काम करें जो अल्लाह की रजा के हैं जिनसे अल्लाह का कुर्ब हासिल हो तो जब इंसान में ईमान और तकवा होता है तो फिर उसकी जो नेमतें हैं उनमें फिर बरकतें नजर आती हैं आप देखें ना कि मुसलमान जो थे अभी आप लोग पढ़ ऐसे गजबाए बद्र के बारे में आज भी आप उसको देखेंगे तो कम तादाद के बावजूद कैसे वो एक बड़ी फौज के ऊपर जो है वो गालिब आ जाते थे ना तो ये ईमान और ये तकवा की एनर्जी और कुत थी मुसलमानों ने कभी भी खाली असबाब के ऊपर जो है वो रिलाई नहीं किया हमेशा साथ अल्लाह की मदद और ईमान और तकवा के साथ अल्लाह ताला को अप्रोच किया है अल्लाह को पुकारा है आगे देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली जो है हमारी अः उसमें हम देखते हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बरकत को मिटा भी देती हैं यानी कि जहाँ बरकत जो है हासिल होती है वहां कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो बरकत को खत्म कर देती हैं बेबरकती पैदा कर देती हैं क्या चीजें हैं वो रियाकारी तकबुर चले देख लेते हैं इंशाल्लाह आप देखें कि नाफरमानिया जो है ना अल्लाह ताली की नाफ़रमानी करना अल्लाह तला के अहकाम को इग्नोर करना और अपनी ख़्वाहिशात की पैरवी करना ये बरकतों को मिटा देती हैं अच्छा बरकत जो है वो उम्र की बरकत है और रिस की बरकत है जैसे आप लोग देख रहे थे इल्म की बरकत है अमल की बरकत है इताद की बरकत है तो जब इंसान नाफरमानी करता है अल्लाह सुबहान बताल की उसके अहकाम पर अमल नहीं करता तो दुनिया और आखरत की बरकतों से महरूम हो जाता है क्योंकि तो आप देखें दुनिया तो टेम्प्ररी है और आखिरत के मुकाबले में बहुत थोड़ी है चाहे उसकी नेमतें हों चाहे उसकी बरकात हो या जो टाइम पीरियड है और आखिरत तो अनलिमिटेड है तो जब इंसान नाफरमानी करता है तो उसका असर कहाँ तक होता है ना सिर्फ उसकी दुनियावी जिंदगी पर बल्कि जो उसकी उखरवी जिंदगी है वहां पर भी वो सफर करेगा अल्लाह की नाफनमानियों की वजह से तो इसलिए क्या दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें फिर वही बात है ना कि हमारे जो अमल है उसको अपने लिए खालिस कर लें और सिर्फ अपने चेहरे के लिए कर लें और उसमें किसी और का कहीं से कोई हिस्सा शामिल ना हो हम फोकस्ड हो जाएं जैसे इब्राहिम थे हम सिर्फ अल्लाह की रजा के कामों में अपने आप को मसरूफ़ कर लें हमें सिर्फ ये फिक्र हो कि हमारा रब हमसे रा... राजी है या नहीं हम अपने अमाल को चेक करते रहें कि क्या मेरा ये अमल मुझे जन्नत से करीब कर रहा है या खुदा खासता खास्ता जहन्नुम में जाने वाले अमाल हैं तो चलिए इंशाल्लाह ताला यहाँ पर हम इसको एंड करते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो नंबर टेन करना है आज हमारी प्यारी उस्ताजा जो है वो तशरीफ ले आई है आप लोग अब तैयार है सब जो टेन के लिए बिस्मिल्लाह أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ अल्हम्दुलिल्लाह जी कल के पारे में से कौन सी बातें आपको याद नहीं गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं और नरमी से देना जब इंसान की आजमाइश बड़ी हो जाए तो अल्लाह से सबर मांगना चाहिए ताकि इस तक मिले

इस्लाम कबूल करना पिछले गुनाहों की माफी का सबब बन जाता है ठीक है। दीन का आने के बाद दुनिया की खादेश को छोड़ देने की मिसाल कुत्ते की तरह है राय के दाने के बराबर भी अमल तोला जाएगा इसलिए छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए अमल भी मरूफ और नहीं है नल मुल्क का काम जब खत्म होगा तो फिर अल्लाह का आजाब आएगा नेम तो की फरवानी भी आजमाइश होती इधर आगे ले आई है ईमान की कमजोरी इंसान को बुजदिल और डरपोक बनाती है और ईमान की में जब तेज होता इंसान तो बहादुर बन जाता है ईमान की मजबूती बहादुर करती जी जी कामयाब तो वही होगा जिसका मौला अल्लाह हो गालब भी वही होगा जिसका मददगार अल्लाह हो ठीक है पीछे दीजिए देखे तो, इनको देखें इनको देखे पीछे गौर विक्र जो है वो गौर विक्र की सलाहियत खत्म हो जाती है गुनाहों की वजह से आप हाथ खड़ा पीछे नाफरमानिया बरकतों को खत्म कर देती हैं है। अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो वो तुम्हें हक और में फर्क करने की कसौटी देखवा है। है, और फिर ले आइए किसी की वजह से काम नहीं छोड़ना चाहिए ठीक है शुरू कर दे रसूल करीम अम्माबाद فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وأمسكهما بقدرته ورفع السماء بقوته ودحى الأرض بمشيئته وملأ الكون برحمته तमाम किस्म की हमद अल्लाह के लिए है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और अपनी कुदरत से उन दोनों को थामे हुए है और अपनी कु्वत के साथ आसमान को बुलंद किया और अपनी मशीत के साथ ज़मीन को बिछाया और हमवार किया और कायनत को अपनी रहमत से भर दिया हम शुरू करेंगे आज दसवां पारा واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم, الفرقان يوم, يوم التقى الجمعان يوم الفرقان يوم التقى الجمعان वल्लाश इनकदीर और जान लो कि जो चीज़ भी तुम गनीमत में पाओ तो उसका पाँचवा हिस्सा अल्लाह और रसूल का है और रसूल के करारदारों और यतीमों और मस्किनों और मुसाफिरों के लिए है अगर तुम अल्लाह पर और उस चीज़ पर ईमान लाए हो जो हमने अपने बंदे पर फैसले के दिन यानी जंग बदन में नाजिल की जिस दिन दो जमातें आमने सामने हुई और अल्लाह हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है गनीमतों के बारे में सवाल किया गया था बीच में इसलाह की गई और यहाँ अब उसकी तकसीम का तरीका बताया जा रहा है गनीमत से मराद वो माल है जो काफिरों से लड़ाई पर पता और गलबा हासिल होने के बाद हासिल होता है पहली उम्मतों में माल गनीमत का इस्तेमाल जायज नहीं था सारा माल एक जगह जमा कर दिया जाता और आसमान से एक आग आती और उसे जलाकर भसम कर देती लेकिन उम्मत मुस्लिमा के लिए ये माल हलाल कर दिया गया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिलत ली गनाइम मेरे लिए गनीमत के माल हलाल कर दिए गए हैं नबी सलम बहुत इंसाफ के साथ इसको तकसीम किया करते थे और ये भी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पांचवा हिस्सा अल्लाह और रसूल का है अल्लाह सुबहान तला को तो इस माल में से कुछ नहीं चाहिए ये तो सिर्फ बरकत के लिए यानी कि अल्लाह सुबहान नाम लिया गया है और रसूल अल्लाह सलम के हिस्से में जो आता वो आपदारों यतीमों और मस्किनों और मुसाफरों पर खर्च करते और उसमें से जो बच जाता वो फिर फी सभी लाला इस्तेमाल हो जाता इसके बाद बाकी जो जंग में हिस्सा लेते थे फौजी उनके ऊपर तकसीम कर दिया जाता था फिर जंग बदर पर मजीद कुछ तबसरा है इद अन तुम बिल उदबिल दुनिया वहम बिल अदबिल कुसवा वर्रक वर्रक वो असफला मिन गुम जब तुम वादी के करीबी और वो दूर के किनारे पर थे और काफिला तुमसे नीचे साहिल की तरफ था और अगर तुम आपस में जंग का वादा कर लेते तो मुकर वक्त के बारे में जरूर इख्तलाफ करते लेकिन ये इसलिए हुआ ताकि अल्लाह उस काम को पूरा कर दे जो होकर रहने वाला था ताकि जो हलाक हो वाज दलील से हलाक हो और जो जिंदा रहे वाज दलील से जिंदा रहे और यकीन अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है फिर फरमाया जब अल्लाह आपको में उन काफरों की तादाद कम करके दिखा रहा था और अगर वो उन्हें आपको ज़्यादा दिखाता तो तुम जरूर हिम्मत हार जाते और तुम इस मामले में बाहम झगड़ने लगते लेकिन अल्लाह ने बचा लिया बेशक वो सीनों के भेद खूब जानने वाला है नबी वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि काफिरों की तादाद ज्यादा नहीं इसी की खबर आपने सहाबा को दी जिसका फायदा यह हुआ कि मुसलमानों में हिम्मत और साबित पैदा हो गई और जब तुम जंग में आमने सामने हुए, वो उन्हें तुम्हारी निगाहों में कम करके दिखा रहा था और उनकी निगाहों में तुम्हें कम करके दिखा रहा था ताकि अल्लाह उस काम को पूरा कर दे जो होकर रहने वाला था और अल्लाह ही की तरफ सब काम लौटाए जाते हैं यानी पहले तादाद दिखाने का ताल्लुक खाब के साथ था और यहाँ किताल के दौरान दिखाया जा रहा था और इसमें क्या हिकमत थी कि कसरत देख कर कसरत देख कर उनके अंदर मुसलमानों मुसलमानों की कसरत देख कर उनके अंदर मुसलमानों का खौफ बैठ जाए और फिर वो लड़ाई से गुरेज ना करें बल्कि इस मैदान में ही फैसला हो जाए कि हक पर कौन है या आमनू, इदा जो ईमान लाए हो जब तुम्हारा किसी ग्रोह से मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और कसरत से अल्लाह को याद करो ताकि तुम फलाह पाओ इंतहाई मुश्किल हालात में क्या करना चाहिए नंबर एक सब्र के साथ साबित कदमी और नंबर दो कसरत से अल्लाह का जिक्र मुसलमान को हर हाल में कसरत से अल्लाह का जिक्र करना चाहिए खास तौर पर जब वो तंग हालात से गुजर रहा हो जो शख्स रब से मोहब्बत करता है और जो इसमें मुखलिस है और सच्चा है वो ये नहीं हो सकता कि नेमत मिलने पर अपने रब को भूल जाए या तकलीफ आने पर अपने रब को भूल जाए वो हर हाल में अल्लाह ताला को याद ही रखेगा और यही कामयाबी की अलामत है जब इंसान ऐसे हालात में अल्लाह ताला को याद करता है अल्लाह ताला से दुआ करता है तो फिर उसके बाद जब उसे कामयाबी नसीब होती है तो वो यही समझता है कि ये ये कामयाबी मुझे अल्लाह ने दी है अल्लाह से दुआ करने की वजह से अल्लाह को याद करने की वजह से मेरे हिस्से में आई है तो जिक्र किसी हाल में भी तर्क नहीं करना चाहिए और सबसे ज़्यादा मसरूफ़ अमल में भी ज़िक्र को नहीं भूलना चाहिए यानी आप सोचिए कि जंग के वक्त जंग के वक्त से बढ़कर कौन सा वक्त ज़्यादा मसरूफ़ियत और परेशानी का हो सकता है कि जब दुश्मन सामने हो और इंसान को अपनी जान का ख़तरा हो तो उस वक्त भी अल्लाह को नहीं भूलना यानी इंतहाई मुश्किल से मुश्किल हालात में इंतहाई शदीद घबराहट के वक्त भी अगर कोई सहारा है तो अल्लाह ही का सहारा है लिहाजा उसको मत भूलो और कामयाबी और अल्लाह की दी हुई तौफीक अल्लाह के जिक्र को कसरत के साथ करने से मिली हुई है हुकुम। और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और बाहम झगड़ा मत करो वरना तुम कम हिम्मत हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी और सब्र से काम लो बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है झगड़ा इंसान को नाकामी की तरफ ले जाता है क्योंकि उसमें इंसान बाहमी गजबनाक होता है और बाहमी गज़ब जब ज्यादा हो जाता है यानी दो तो लोग एक दूसरे पर ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं तो उससे लोगों का आपस में तावन ख़त्म हो जाता है और सारी एनर्जीज एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने लगती हैं और फिर इंसान इंसान का दिल ऐसी चीज़ों में मशगूल हो जाता है जहाँ होना नहीं चाहिए और उसका नुकसान फिर ये होता है कि झगड़े की वजह से दुश्मन काबू पा जाता है यानी जब जंग के मुश्किल हालात और मुश्किल मकाम आते हैं तो झगड़े की वजह से कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता और फिर इंसान गैर ज़रूरी चीज़ों की तरफ चल पड़ता है इस तरह दुश्मन को मौका देता है कि वो उन पर काबू पा ले तो हमें हमारे दीन में आपस के इख्तलाफ़ात से मना किया गया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज बिन जबल और अबू मूसा अशरी को यमन भेजा आपने फरमाया लोगों के लिए आसानी पैदा करना उन्हें सख्तियों में मुबतला न करना उनको खुश रखना नफ़रत न दिलाना और तुम दोनों आपस में इतफाक़ रखना क्योंकि जब लीडर्स जब ऊपर वाले आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं तो उसमें फिर आवाम की खैरखाई और भलाई होती और जब लीडर्स के दरमियान जंग शदीद हो जाती है तो फिर टीम कमजोर हो जाती है और मफाद को नुकसान पहुंचता है आपने फरमाया तुम दोनों आपस में इतफाक रखना इख्तलाफ पैदा न करना और न तुम उन लोगों की तरह हो जाओ और तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ जो अपने घरों से इतराते हुए और लोगों को दिखावा करते हुए निकले और वो अल्लाह के रास्ते से रोकते थे और जो कुछ वो करते हैं अल्लाह उसे अल्लाह उसे घेरे हुए है यहाँ बतर का लफ्स इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है इतराना फखर और गुरूर करना यानी नेमतों पर अपनी कुव्वत का इजहार करना कि शायद ये हमारी अपनी कोई कमाई है तो हमें हमारे दीन में दो चीजों से रोका गया है कि अगर नेमत है इंसान के पास तो उसको नंबर एक उस पर इतराना नहीं चाहिए और नंबर दो लोगों को दिखावा नहीं करना चाहिए क्योंकि जो चीज़ अल्लाह ने दी है उस पर इंसान को अल्लाह ताला का ही शुक्रगुजार होना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स शोहरत का तलिब हो अल्लाह ताला उसकी शोहरत क़यामत के दिन सबको सुना देगा और जो कोई लोगों को दिखाने के लिए कोई काम करेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको सब लोगों को दिखा देगा यानी सबको दिखा देगा कि ये इस शख्स ने तुम्हें दिखाने के लिए काम किए थे मेरी खातिर नहीं किए थे लिजा नतीजा क्या होगा कि उसके लिए कोई अजर नहीं होगा और, जब ने उनके उनके लिए बना और कहने लगा कि आज के दिन लोगों में से कोई तुम पर गालिब आने वाला नहीं और मैं खुद भी तुम्हारा हिमाती हूँ फिर जब दोनों जमातों ने एक दूसरे को देखा तो वो अपनी एड़ियों पर पलट गया और कहने लगा मैं तुमसे बरी हूँ मैं वो कुछ देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे बेशक मैं अल्लाह अल्लाह से डरता हूं। और बेश सजा देने वाला है मक्का जब मक्का से रवाना हुए तो उन्हें अपने हरीफ कबीले बकर बिन किनाना नाना से अंदेशा था कि वो पीछे से उन्हें नुकसान न पहुंचाए चुनाची शैतान सराखा बिन मालिक की सूरत बन के आया जो बनू बकर बिन के नाना के एक सरदार थे और उन्हें पता और नुसरत की खुशखबरी दी, जो सब झूठ था, और अपनी हिमायत का भी पूरा यकीन दिलाया लेकिन जब मैदान जंग में सब पहुंचे और शैतान भी वहाँ मौजूद था तो मलाइका की सूरत में इमदाद इलाही नज़र आई तो एड़ियों के बल भाग खड़ा हुआ क्योंकि उसको पता चल गया कि अब यहाँ क्योंकि शैतान तो मलाइका को देख सकता है कि अब यहाँ मेरा बस नहीं चलेगा अब यहाँ शैतान कह रहा है कि वो अल्लाह से डरता है जो कि सच बात नहीं अगर वल्लाह अल्लाह से डरे तो सबसे पहले तौबा करे अपने गुनाह की क्योंकि हम लोग भी बाजु का सिर्फ जुबानी कलामी कहते रहते हैं अल्लाह से बड़ा डर लगता है वाकई अगर अल्लाह से डर लगता है तो फिर तो इंसान को अल्लाह ही की तरफ रागिब होना चाहिए अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह का खौफ इंसान को अल्लाह की इताद की तरफ ले जाता है उस मोहब्बत का दावा झूठा है जिसमें इतात ना हो इसीलिए फरमाया गया ना इन कुन तुम तो अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरा यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतबाह करो तो उसके नतीजे में फिर अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा वो यकुम दुनू बकुम और तुम्हारे गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे वो तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा तो इताअत के बगैर सिर्फ अल्लाह का खौफ होना काफी नहीं यानी अल्लाह ताला की बात भी माननी चाहिए और नाफरमानियों को छोड़ भी देना चाहिए जब मु नाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में एक बीमारी थी कह रहे थे कि इन लोगों को इनके दीन ने धोखे में डाल रखा है और जो अल्लाह पर तोल करता है तो यकीनन अल्लाह बहुत जबरदस्त खूब हमत वाला है और काश आप उस वक्त देखें जब फरिश्ते उन लोगों को फौत करते हैं जिन्होंने कुफर किया वो उनके चेहरों और पीठों पर मारते हैं यानी कुफर की हालत में जिसकी डेथ होती है विश्ते जब उसकी जान निकालते हैं तो उनके चेहरों पर भी मारते हैं और पीठों पर भी मारते हैं और कहते हैं जलाने वाली आग, आग के अजाब का मजा चखो यानी फिर उसके बाद कबर का अजाब शुरू हो जाता है ये इस वजह से है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजा यानी तुम्हारे अपने अमाल का ये नतीजा है और बेशक अल्लाह बंदों पर कुछ भी जुल्म करने वाला नहीं यहाँ अल्लाह ताला अपनी जात से जुल्म की नफी कर रहे हैं कि अल्लाह ताला बगैर किसी वजह के किसी को सजा नहीं देते अजाब नहीं देते में आता है वला रब का अहदा और तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करता वूरत में आता और जो शख्स अच्छी किस्म के आमाल करे और वो मोमिन भी हो तो वो ना किसी बेसाफी से डरेगा और ना हक तल्फी से यानी ईमान और अमल साले के साथ फिर इंसान को अमन नसीब हो जाता है अल्लाह सुबहान ने अपनी जात पे जुल्म को हराम करार दिया है रसुल्लाम ने फरमाए खजी से कुछ में है अल्लाह तला फरमाता है मेरे बंदो मैंने जुल्म अपने ऊपर हराम करार दे रखा है और इसे तुम्हारे दरम्यान भी हराम ठहरा है यानी बंदे भी बंदों पे जुल्म ना करें लिहाजा तुम एक दूसरे पर जुल्म ना करो मेरे बंदो ये तुम्हारे अपने ही आमाल हैं जिनको मैं महफूज रखता हूँ फिर तुम्हें इनका पूरा बदला दूंगा फिर जो खैर पाए वो अल्लाह का शुक्र अदा करे और जो इसके सिवा पाए वो अपने आप ही को मलामत करे कदा भी आलि फिर इनका हाल आलि फिरओन और उन लोगों की तरह हुआ जो इनसे पहले थे जिन्होंने अल्लाह की आयत का इनकार किया तो अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया बेशक अल्लाह बहुत कुव्वत वाला सख्त सजा देने वाला है यानी आयत को झुटलाने और अजाब में मुब्तला होने में ये अहले मक्का किसकी तरह है फिर ऑन की तरह और जो लोग उनसे यानी पहली कौमों के जो मुनकरन थे उनकी तरह तो सिखा यहाँ सीखने का सबक यह है कि हमें सबिका लोगों के अंजाम से इबरत पकड़नी चाहिए कि जब उन्होंने रसूलों की बात नहीं मानी तो उनका अंजाम क्या हुआ अल्लाह तलामाते कई फकाना आके बतलमकदीन तो तुम जमीन में चल फिर के देख लो कि जुटलाने वालों का अंजाम कैसा बुरा हुआ तो इससे यह भी पता चलता है कि गुनाहों की अपनी एक नहूसत होती है गुनाहों के बुरे नतज इंसान के सामने दुनिया में भी आ जाते हैं अल्लाह ताला ने पिछली कौमों के पकड़ के बारे में फरमाया फल्ला बिगुनू बिम अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों के सब पकड़ा अल्लाह सुबहान तहाँ सिफत अलकवी इस्तेमाल हुई है तो अल्लाह सुबहान बहुत ही कुत वाला है ताकत वाला है जिसकी ताकत पूरी और कामिल है उस पर किसी हाल में भी आजी गालिब नहीं आती कमजोरी उसमें नहीं आती इंसानों के पास अगर कु्वत होती है तो फिर किसी वक्त वीकनेस भी फील हो रही होती है कब ज़हनी कु्वत हो जिस्मानी कु्वत हो रूहानी हर एक में डिक्लाइन होता है लेकिन अल्लाह ताला की तुवत में कोई कमी नहीं होती दाल अनुमय इसलिए हुआ कि अल्लाह किसी भी नेमत को हरगिज तब्दील करने वाला नहीं जो उसने किसी कौम को अता की हो, जब तक कि वो खुद अपनी हालत तब्दील ना कर ले, और बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है यानी अल्लाह तआला की नेमतों का जवाल नहीं होता मगर नाफरमानियों के साथ गुनाहों के साथ गुनाह इंसान की नेमतों को ले जाते हैं इसके बरक्स जब इंसान शुक्र अदा करता रहता है तो शुक्र इंसान की नेमतों को बढ़ाता है शुक्र इंसान के दिल में खुशी पैदा करता है अब देखिए कि अच्छे अल्फाज जो होते हैं ना उनकी एक एनर्जी होती है आप किसी से अच्छा जुमला कोई सुनते हैं कोई अच्छी बात पढ़ते हैं तो एकदम आप आपका मराइल हाई हो जाता है आपके अंदर एक कु्वत आ जाती आप के अंदर एक एनर्जी आ जाती है तो इसी तरह शुक्र उन अल्फाज में से उन कलमात में से है कि जब इंसान किसी का भी शुक्रिया अदा करता है मसला कोई आपका को शुक्रिया अदा करता है या आप किसी का शुक्रिया अदा करते हैं तो ये लफ्ज़ बोलते ही इंसान के अंदर एक खुशी आती है ये लफ्ज़ यानी ये लफ्ज़ दूसरे भी सुनते हैं तो उनको भी एक खुशी नसीब होती है। लेकिन जब इंसान सिर्फ दूसरों के सामने अपना रोना ही रोना रोता रहता है तो सुनने वाले के दिल को तकलीफ़ पहुँचती यानी आपको तो तकलीफ़ हो ही रही होती है लेकिन जब आप अपनी तकलीफ का इजहार दूसरे से करते तो दूसरा भी तकलीफ़ में मुबतला होता है तो तकलीफ का इज़हार या नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल जो है वो इंसान के अंदर कमज़ोरी लाता है इसलिए हमें अपने अल्फाज बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करने चाहिए ख़ासतौर पर जो तकिया कलाम और जो रोजमर्रा की ज़िंदगी में हम अपने घर वालों से बात करते हैं जब हम कोई मनफी जुमला इस्तेमाल करते हैं तो वो दूसरों के जज्बात को भड़का देता है उनको गुस्सा दिला देता है तो इन चीजों से भी परहेज करना चाहिए और इसी तरह वाइस वर्षा जब कोई कौम गुनाहों को छोड़ के इताते का रास्ता अख्तियार करती है तो फिर उस वो परेशानियों से निकल कर अल्लाह की रहमतों में आ जाती है तो इबन कयम कहा करते थे कभी भी किसी आदमी से कोई नेमत ज़ायल नहीं होती मगर नाफरमानी की नहुसत से बस अल्लाह जब किसी बंदे को नेमत अता करता है तो उसके लिए उसकी हिफाजत करता है और उससे उसको तब्दील नहीं करता और फेरता नहीं यहाँ तक कि वो खुद अपनी जात से उसको तब्दील करने की कोशिश में रहता है इसी तरह नाफरमानियों के सबब इबादत में कमजोरी आ जाती है रिस्क में तंगी और बदमसगी पैदा हो जाती है गुनाहों के सबब आफात और हादसा वाक़ होते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी कौम में बदकारी आम हो जाती है और वह ऐलानिया उसका इरतकब करते हैं तो उनमें ताउन और मुख्तलिफ बीमारियां जो उनके पहलों में नहीं थी वो फैल जाती हैं जब लोग माप तोल में कमी करते हैं तो उन्हें कहत सालियां सख्त तकलीफें और बादशाहों के ल्म दबोच लेते हैं जब लोग अपने मालों की जकवात अदा करने से रुक जाते हैं तो आसमान से बारिश का नजूल बंद हो जाता है अगर चौपाए ना होते तो उन पर बारिश नाजिल ना होती जब लोग अल्लाह और उसके रसूल का पैमान तोड़ देते हैं तो अल्लाह उन पर दूसरी कौमों में दुश्मन, दुश्मन मुसलत कर देता है जो उन उनके बाद लेते हैं। जब मुसलमानों के हुक्मरान अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला नहीं करते और उसके नाजिल करदा कवानीन को तरजीह नहीं देते तो अल्लाह उनको आपस में लड़ा देता है यानी फिर वो खाना जंगी शुरू हो जाती है तो बहरहाल

हमने इनके गुनाहों की पादाश में इन्हें हलाक कर दिया और आले आलौन को हमने गर्क कर दिया और वो सभी जालिम थे यानी पिछली जितनी कौमें भी हलाक हुई नाफरमानियों की और गुनाहों की वजह से हलाक हुई इन नवा बे इन नवा बेहद बेशक अल्लाह के नजदीक तमाम जानदारों में बदतरीन वो लोग हैं जिन्होंने कुफर किया तो वो ईमान नहीं लाते याद रखिए जानवर भी अपने रब को पहचानते हैं अपने रब की मारिफत रखते हैं और वो अल्लाह के मुती और फरमाबरदार हैं इसके बरक्स इंसानों में से कुछ लोग हैं जो अल्लाह को नहीं मानते जो अल्लाह ताला की बात नहीं मानते इसलिए अल्लाह ताला ने उनको ये नहीं कहा इन न नासी बल्कि क्या कहा इन न दवाब भी उनको इंसान भी नहीं कहा जानवर कहा कि जानवरों जानवरों में बदतरीन जानवर वो हैं जो कुफर करते हैं और ईमान नहीं लाते इब्ने कसीर कहते हैं कि इंसानों में से जो शख्स अल्लाह की इतात करता है वो क़यामत के दिन अपने जैसे फरिश्तों से अफजल होगा और जो अल्लाह के साथ कुफर करता है तो जानवर उससे ज्यादा कामिल होंगे तो इससे क्या पता चलता है इंसान का मकाम फरिश्तों तक भी पहुंच सकता है और जानवरों से भी नीचे गिर सकता है तुम मरदद ना हो लोग जिनसे आपने दिया फिर वो हर बार अपने अहद को तोड़ देते हैं और वो डरते भी नहीं हैं। फिर अगर जंग में आप इन पर काबू पा लें तो इनको ऐसी सख्त सजा दें कि इनके जरिए से उनको भी तितर बितर कर दे जो इनके पीछे हैं शायद के वो नसीहत पकड़े का मतलब है उनको ऐसी मार मारो कि जिससे इनके पीछे इनके हिमायतियों और साथियों में भगदड़ मच जाए हती कि वो आपकी तरफ इस अंदेशे से रुख ही ना करें कि कहीं उनका भी वही हशर ना हो जो इनके पहलों का हुआ जो इनके आगे जाने वालों का हुआ वो इमां तकाफन नमिन कौमिन खियानतन और अगर आपको किसी कौम की खयानत बदहदी का अंदेशा हो तो आप उनका माह उनकी तरफ बरादरी आप उनका माह उनकी तरफ बराबरी की बुनियाद पर फेंक दीजिए बेशक अल्लाह खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता यहाँ ख्यात से मुराद किसी कौम से नकज अहद करना है यानी जिस कौम से कोई सलाह का माह कर रखा है उनके ऊपर मसलन हमला कर देना तो अगर आप माहिदा ख़त्म करना अगर आपके कुछ ऐसे इरादे हैं तो पहले माहिदा ख़त्म करना होगा बाकायदा उससे मुतले किया जाएगा और कहा जाएगा कि आज के बाद हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई माहिदा नहीं ताकि दोनों फरीक फिर अपनी अपनी हिफाजत के खुद जिम्मेदार हों अब यहाँ पर आप देखिए कि साय से यह पता चलता है कि मुसलमान भी अगर अहद तोड़ता है ऊपर ख्यानत की बात हुई या अहद की बात हुई तो ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है इसीलिए हम देखते हैं कि जब हजरत माविया और रूमियों के दरमियान दरमिया हुआ और की मदद खत्म होने के करीब आई तो उन्होंने रूम की सरजमीन के करीब अपनी फौजें जमा करनी शुरू कर दी मतलब यह था कि माहे की मदद ख़त्म होते ही रूमियों पर हमला कर दिया जाए और अमर बिन अबसा के इल्म में जब यह बात आई तो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान फरमाई और उसे माहे की खिलाफ वर्जी करार दिया जिस पर हजरत माविया ने अपनी फौजें वापस बुला ली तो बात यह है कि अहद शिकनी किसी से वादा कर लेना और फिर उसको पूरा ना करना यह मुनाफत की अलामत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चार बातें जिसमें होंगी वो खालिस मुनाफिक होगा और जिसमें इनमें से कोई एक भी होगी उसमें निफाक की एक खसलत होगी यहां तक कि वो उसे छोड़ दे जब उसके पास अमानत रखी जाए तो ख़ानत करे जब बात करे तो झूठ बोले जब अहद करे तो दगाबाजी करे जब झगड़े तो बेहुदा गोई करे यानी गाली गलोच करे वला يحسبن الذين كفروا सबकू इन ला जिजून और जिन लोगों ने कुफर किया वो ये गुमान ना करें कि वो निकल भागे हैं बेशक वो अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते ऐसे अगर हम सब भी ये सोचें कि हम अगर अल्लाह की इताअत नहीं करते और उसकी नाफरमानी का कोई काम करते हैं कहाँ जाएंगे भाग के किस बात के इंतज़ार में यानी इंसान अगर कहीं भागना शुरू भी कर दे लिटरली कि मैं अल्लाह से भाग रहा हूँ तो है कोई पना, है कोई भागने की जगह वो कौन सी जगह है ज़मीन में वो कौन सी जगह है आसमान में कि जहाँ अल्लाह की कुदरत काम ना करे और जहां इंसान को अल्लाह ताला पकड़ सके, कहीं भी नहीं लिहाजा न सामने और न छुपकर कहीं भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए फिर फरमाया, मिन, वा मिन और अपनी इस्तेतात के मुताबिक इनके मुकाबले के लिए कुब्बत और बांधे हुए घोड़ों से तैयारी कर रखो जिनके साथ तुम अल्लाह के दुश्मनों और अपने दुश्मनों को डराओगे और उनके अलावा कुछ दूसरों को भी जिन्हें अब अभी तुम नहीं जानते और इनके अलावा कुछ दूसरों को भी जिन्हें अभी तुम नहीं जानते अल्लाह उन्हें जानता है और अल्लाह के रास्ते में जो चीज भी तुम खर्च करोगे वो तुम्हें पूरी पूरी लौटा दी जाएगी और तुम जुल्म न किए जाओगे तो इससे पता चलता है कि इंसान को बुरे वक्त के लिए तैयारी करके रखनी चाहिए और इंसान को जब नेमतें मिल जाती हैं तो वो समझता है ये हमेशा मेरे पास रहेंगी, हालांकि ऐसा नहीं होता और खास तौर पर दीन के काम के लिए इंसान को अपने आप में स्किल्स पैदा करनी चाहिए आप देखें कि कोई भी चीज कोई भी चीज जब उसको तराशा खराशा जाता है मतलब हीरा है तो अगर रॉ हीरा हो तो उसकी कीमत कुछ और होगी लेकिन जब उसे तराश दिया जाता है तो फिर उसकी कीमत क्या होती है कुछ और हो जाती है इसी तरह आप देखें कि आप घर में खाना बनाते हैं तो उसकी वर्थ कुछ और होती है आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में खा खाने जाते हैं तो उसकी वर्थ कुछ और होती है फर्क किस चीज का होता है आप घर में बनाते हैं वही वही आटा दाल चावल होती है लेकिन आप उसको बस एक आम सादे तरीके से मिक्स कर लेते हैं पका लेते हैं रूटीन के मुताबिक लेकिन जब आप किसी ख़ास रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए तो वहाँ क्या होता है वही आटा दाल चावल होती है लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अलग होती है उसकी टेक्निक उसको बनाने की अलग होती है उसका टेस्ट अलग होता है चीज़ें वही हैं लेकिन एक ख़ास स्किल के साथ एक खास प्रोपोर्शन के साथ उसको जब बनाया गया तो उसकी वर्थ ज़्यादा हो गई इसी तरह हम इंसान एक आम इंसान इंसान है उसके पास अल्लाह ने बहुत सी फैक्ल्टीज दी हैं लेकिन अगर उसके पास कोई स्किल सेट नहीं है तो किसी काम का नहीं है उसकी कोई बर्थ नहीं है इसीलिए आप देखें कि जिन लोगों के पास लेटेस्ट अप टू द और यानी मौजूदा हालात के मुताबिक मार्केट में जिस चीज़ की वैल्यू होती है जब वो उसके मुताबिक अपनी स्किल्स को एनहेंस कर लेते हैं हासिल कर लेते हैं तो फिर क्या होता है उनकी सैलरी यहाँ से वहाँ चली जाती है उनको बड़ी बड़ी कंपनीज हायर कर लेती हैं है तो वो भी इंसान और एक जाहिल इंसान भी इंसान है दो आंखें इसके पास भी और इसके पास भी इसके पास भी दो हाथ है इसके पास भी हैं दोनों की डेट ऑफ बर्थ एक है उम्र एक है एक ने कुछ पढ़ा लिखा नहीं कोई स्किल्स हासिल नहीं की और दूसरे ने अपनी जिंदगी लगा दी मेहनत करते करते अपने आप को अपनी तराश खराश में अपने आप को चमकाने में तो अब आप खुद सोचिए कि दोनों की कीमत में कितना बड़ा फर्क है इसी तरह एक शख्स ईमान नहीं लाता और एक शख्स कलिमा पढ़ लेता है एक शख्स के पास माल है वो माल के ऊपर सांप बन के बैठा हुआ है और दूसरा जो है वो दिन रात अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है अल्लाह के बंदों पे भी खर्च कर रहा है दीन की खिदमत पे भी खर्च कर रहा है क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं कुल हल यस्तवल्लिन अल्लामून क्या वो लोग जो जानते हैं और वो लोग जो नहीं जानते क्या बराबर हो सकते हम बात एक मैंटल ब्लॉक का शिकार हो जाते हैं हम सोचते हैं बस हमारी अब एज इतनी हो गई है मुझे मजीद कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं हो सकता है कि कुर मजीद को सीखने से पहले आप भी यही सोचते हो कि मेरे बस की बात नहीं ये मैं नहीं कर सकती मुझे मेरा तो अब हापसा कमज़ोर हो गया और मैं इतनी देर बैठ नहीं सकती लेकिन जब आपने इस चैलेंज को कबूल किया और इसको शुरू कर दिया तो अब आप देखें कि जो कुछ आपने पा लिया वो उनके पास तो नहीं जो सोचते रह गए तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि अल्लाह की खातिर भी कोई काम करें तो फिर अल्लाह के दीन को भी सीखने की ज़रूरत है और उसके अंदर उसमें मेहनत करने की जरूरत है उस पर वक्त लगाने की जरूरत है अपनी स्किल्स को इनहेंस करने की जरूरत है अपनी फैकल्टीज को शार्प करने की जरूरत है अपने दिमाग को भी तेज करने की जरूरत है और इसके लिए जो जो तरीके हो सकते हैं वो इख्तियार करने की ज़रूरत है सिर्फ़ आरज़ू, ईमान सिर्फ़ आरज़ू और तमन्नाओं का नाम नहीं कि आप बस विशफुल थिंकिंग करते रहें और आप सोचें कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं या कर सकते हैं और कर लेंगे अब एक वक्त आएगा तो हो जाएगा लेकिन ऐसे नहीं होता अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो उसकी तैयारी करें अगर आपने ट्रैवल करना हो तो क्या करते हैं तैयारी करते हैं जब आपको यहाँ आना होता है तो वो दिन आपका कैसा होता है आप तैयारी करते हैं हर चीज़ रूटीन में आ जाती है रेगुलेट हो जाती है तो यहाँ अल्लाह ताला तैयारी करने के लिए कह रहे हैं वह आई दम उनके लिए तैयार करके रखो उस ज़माने में जाहिर है कि घोड़ों से और इन चीजों से काम लिया जाता था जिन चीज़ों से जो जंगी आलात थे तो मुसलमानों को हुक्म दिया जा रहा है कि वो तैयार करो आज आप अगर अल्लाह के दीन की तबलीग करना चाहते हैं लोगों को तालीम देना चाहते हैं तो पहले अपने अंदर तो कुछ डालें पर खुद खुद को तो तैयार करें लेकिन अगर कोई अच्छा तालब इल्म नहीं है तो वो अच्छा उस्ताद भी नहीं हो सकता तो अगर क्योंकि उसने बहस यम कोई कमिटमेंट नहीं निभाई कोई मेहनत नहीं की चीज़ों में गौर व फिकर नहीं किया कॉन्सेप्ट तो को अच्छी तरह क्लियर नहीं किया तो जब बताने की बारी आएगी तो उसके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा कॉन्फिडेंस कब आता है किसी भी दुनियावी मामला में भी कॉन्फिडेंस किस को आता है किसके पास होता है जिसके पास कोई इल्म होता है कोई स्किल होती है कोई नॉलेज होता है उस, उस उसके अंदर वो और तरह बोलता है वो और तरह बात करता है उसके अंदर एक यकीन की कैफियत होती है और जिसके पास ये सब सलाहियतें नहीं होती वो डरा डरा शर्माया शर्माया खौफ खाया पीछे पीछे किसी चीज़ के लिए अपने आप को ऑफर नहीं करता कोई चैलेंज कबूल को नहीं करता कोई रिस्क नहीं लेता तो क्या ही बुज़दिलों की तरह जिंदगी बसर करके चले जाना है किसी भी हाई अचीवर को देखें उसकी जिंदगी खतरात और मुश्किल से खाली नहीं थी हर कामयाबी के पीछे एक लंबी तबील एफर्ट होती है तो इसलिए जल्दी तो ना करें लेकिन अपने इस सफर को रोकें भी नहीं एक के बाद एक चीज सीखते चले जाएं। जिंदगी को आराम तलबी का हिस्सा ना बनाए कि आप सुबह उठें आराम करके थोड़ी देर के बाद फिर खा पी के फिर आराम शुरू कर दें फिर थोड़ी देर के बाद इधर उधर टहल टहल के फिर आराम शुरू कर दें ऐसे थोड़ी होता है ऐसे तो कामयाबी नहीं होती ऐसे तो अब आला दर्जात नहीं पाए जाते अपने आप को थकाएं अपने आप पर मेहनत करें अपनी ज़ात में कोई ऐसा पोटेंशियल तलाश करें कि जो अल्लाह ने आपको अता करके अल्लाह ने आप पर इनाम किया है से हर एक को, जितने लोग भी बात सुन रहे हैं, हर एक अपने झांके खूबी को तलाश करे अपने अंदर की कुत को तलाश करे अपने अंदर के अतीये को जो अल्लाह ने वो गिफ्ट जो आपके अंदर रखा है जो सिर्फ आपको मिला है आप पर इनाम हुआ है उसको फिर अल्लाह की इतात और दीन की खिदमत के लिए इस्तेमाल करे उससे आप दीन का काम आप अच्छा बोल सकते हैं आप अच्छा लिख सकते हैं आप अच्छी तरह लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं आप क्या कर सकते हैं आपको अल्लाह ने माल दिया है आपको अल्लाह ने वक्त दिया है आपको अल्लाह ने अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स दी हैं आप लोगों का दिल बढ़ा सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं अपने आप को जाया ना करें अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर याद रखें परेशानियां आपको घेरेंगी यानी इंसान फिर कहीं बच के जा नहीं सकता जब इंसान अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं करता अल्लाह की नेमतों को सही जगह इस्तेमाल नहीं करता और सही जगह इस्तेमाल करके उनका शुक्र अदा नहीं करता तो फिर वो तकलीफों से जहनी तकलीफों जहनी मसाइल ज़हनी बीमारियों रूहानी तकलीफों से डिप्रेशन से बच सकता ही नहीं आप देने वाले बने जब आप देंगे तो कई गुना वापिस आपकी तरफ लौटेगा अल्लाह ने क्या वादा किया है एक नेकी का आजर कितना मिलता है मिनिमम टाइम्स आप एक हरफ कुरान का किसी को पढ़े सिर्फ एक मखरज सिखा दें किसी को तो आपको दस गुना तो मिल ही जाएगा उसका और यह नहीं कि सिर्फ आखिरत में दुनिया में भी दुनिया में भी मिलेगा क्योंकि ये किताब मुबारक है ये दीन मुबारक है इंसान की कामयाबी अल्लाह की इताअत ही में है फरमाया और अगर वो सुलह की तरफ मायल हो तो आप भी उसके लिए झुक जाइए और अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए बेशक वही खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मैं तुम्हें नमाज रोज़ा और जक़ात से अफजल दर्जे का अमल ना बताऊं सहाबा ने अर्ज किया क्यों नहीं आपने फरमाया आपस में सुलह कराना यानी लड़ाई झगड़ा हमारे दीन में पसंदीदा नहीं है हाँ अगर कोई झगड़ने आया लड़ने आया तो फिर आपको मुकाबला भी करना है अपना सर नीचे डाल के तो मार थोड़ी खानी है लेकिन अगर कोई सुना चाहता है आपके साथ अमन से रहना चाहता है तो आप भी उसके साथ अमन से रहिए फरमाया जब लोगों में फूट, जब के लोगों में फूट और फसाद डालना दीन को मुड़ने वाली चीज है यानी लड़ाई झगड़ा चाहे घरों के अंदर हो चाहे माशरे के अंदर चाहे मुल्क के अंदर पसंदीदा नहीं है सहल बिन साद कहते हैं नबी के बनु अमर बिन औफ में आपस में कुछ तकरार हो गई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि अपने कई को साथ लेकर उनके यहाँ सुलह कराने के लिए गए और नमाज का वक्त हो गया लेकिन आप तशरीफ ना ला सके यानी नमाज फिर किसी और ने पढ़ाई होगी और आप उनमें सुलह कराते रहे बात पर पढ़ ली होगी आपने ऐसा तो नहीं कि नमाज ही छोड़ दी ऐसे ये, ये मतलब कोई ना ले के सुलह कराते कराते नमाज भी जाती है तो जाए यानी आप वसिद नबी नहीं लौटे थे बनो अमर वाले जो है ना वसद कुबा के पास रहने वाले थे सहल बिन साद कहते हैं कि कुबा के लोगों ने आपस में झगड़ा किया यहाँ तक कि एक ने दूसरे पर पत्थर फेंके रसूल अल्लाह रसुल्ला को जब भी तला मिली तो आपने फरमाया आपने फरमाया चलो हम उनमें सुलह कराए और अगर वो आपको धोखा देने का इरादा करें तो अल्लाह आपके लिए काफी है सुलह के नाम पर अगर कोई धोखा दे रहा हो तो अल्लाह काफी है वही तो है जिसने अपनी मदद से और मोमिनों के जरिए आपकी तइद की है और उसने उनके दिलों में उल्फत डाल दी अगर आप जमीन में जो कुछ है वो सब खर्च कर डालते तो भी आप इनके दिलों में उल्फत नहीं डाल सकते थे लेकिन अल्लाह ही ने इनके दरमियान उल्फत डाली है बेशक वो जबरदस्त बेशक वो बहुत जबरदस्त बहुत हिकमत वाला है ये जो दिलों का मामला है ना ये भी अल्लाह के हाथ में है आपके दिल में किसी की मोहब्बत आए तो ये अल्लाह ही डालता है और अगर किसी के दिल में आपकी मोहब्बत है तो वो अल्लाह ही ने डाली है और मोमिनों की आपस की मोहब्बत ईमान की वजह से नेक नेकमाल की वजह से नेकी की वजह से तकवा की वजह से ये भी अल्लाह ही पैदा करता है जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है तो फिर जिब्रील को बुला के बताता है कि मैं फलां से मोहब्बत करता हूँ तुम भी मोहब्बत करो वो फिर वो भी मोहब्बत करने लगते हैं और आसमान वालों में निदा देते हैं पुकारते हैं क्या आसमान वालों यानी फरिश्तों के बीच में पुकारते हैं कि अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करता है तुम भी मोहब्बत करो वो असब आसमान वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं फिर वो मोहब्बत ज़मीन पर उतार दी जाती है फिर जमीन वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं तो बात यह है कि ये अल्लाह का एहसान होता है अल्लाह ही की तरफ से होता है कि वो लोगों के दिलों में उल्फत पैदा कर देता है मोहब्बत डाल देता है और इस्लाम सबसे बड़ी रीज़न है वजह है अल्लाह की तात और फरमाबरदारी बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से लोगों के दरमियान आपस की मोहब्बत होती है यानी मोहब्बत की सबसे मज़बूत तरीन बुनियाद अल्लाह का दीन है अल्लाह की ज़ात है अल्लाह की खातिर जिससे मोहब्बत होती वो ख़त्म नहीं होती उसमें पर या नहीं होती शैतान अगर कोई बस डाल भी दे तो इंसान उसको झटक देता है क्योंकि उसमें कोई ज़ाती मफादात नहीं होते वो दुनिया की खातिर नहीं होती क्योंकि दुनिया की खातिर किसी से मोहब्बत क्या होती है कि जिससे आपका कोई मफाद हो विस्ता हो आप उससे मोहब्बत करें ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि जब उनका मफाद ख़त्म हो जाता है तो वो उल्टी मुखालफत और अदावत शुरू कर देते हैं सारी मोहब्बतें पार हो जाती ख़त्म हो जाती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद लोगों के लिए बाहम मोहब्बत का वो काम जो आपस में लड़ती झगड़ती रहती इसकुन तुम अन। फा फा जब तुम आपस में दुश्मन थे अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाल दी वह असबह तुम बेनमत ही इखवाना और तुम उसकी नेमत यानी नमत इस्लाम की वजह से आपस में भाई, भाई भाई बन गए नबी अलैहि वसल्लम ने हुनैन की गनीमतों के मौके पर अंसार से ख़िताब करते हुए फ़रमाया जमात अंसार क्या ये वाक़ नहीं कि तुम गुमराह थे अल्लाह ने मेरे ज़रिए से तुम्हें हिदायत नसीब फरमाई तुम मोहताज थे अल्लाह ने तुम्हें मेरे जरिए से खुशहाल कर दिया और तुम एक दूसरे से अलग अलग थे अल्लाह ने मेरे जरिए से तुम्हें आपस में जोड़ दिया नबी सल्हल्ज जो बात कहते अनसार उसके जवाब में यही कहते अल्लाह रब रसूल अमन अल्लाह और उसके रसूल के असाना इससे कहीं ज्यादा हैं तो दिलों में मोहब्बत होना आप घर के अंदर के अंदर में मोहब्बत होना दीन की खातिर कहीं इकट्ठे हुए हैं उस, तो उसमें आपस में मोहब्बत होना टीम वर्क को मजबूत कर देता है घरों के अंदर घर, घर मजबूत हो जाते हैं ताल्लुकात मजबूत हो जाते हैं जब दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत होती और ये मोहब्बत जन्नत में दाखिले का सबब है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक के ईमान नहीं लाओगे और ईमान ना लाओगे जब तक आपस में मोहब्बत नहीं करोगे ये ईमान की अलामत है ईमान की रिक्वायरमेंट है कि वाहम मुसलमानों के दरमियान आपस की मोहब्बत हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन मोहब्बत करता है और उससे मोहब्बत की जाती है और उस बंदे में कोई खैर नहीं जो ना मोहब्बत करता है और ना ही उससे मोहब्बत की जाती है और लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जो उनके लिए सबसे ज्यादा नफा बख्श हैं सबसे अच्छा कौन जो सबसे ज्यादा फायदा मंद है और सबसे ज्यादा फायदा कौन पहुंचा सकता है जो सबसे ज्यादा स्किलफुल है जिसको तरीके आते हैं फायदा पहुंचाने के जिसे काम करना आता है कोई या नबी हसबुक अल्लाह मिनल हसबू नबी अल्लाह आपको काफी है और उन मोमिनों को भी जो आपकी पैरवी करें इसीलिए हम कहते हैं हसब्लाबकील नबी मोमिनों को जंग पर रगबत दिलाइए अगर तुम में से बीस सब्र करने वाले हों तो वो दो सौ पर गालिब आ जाएंगे और अगर तुम में से एक सौ साबिर हो तो वो एक हजार पर गालिब आ जाएंगे ये इसलिए कि बेशक वो ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते अब अल्लाह ने तुमसे बोझ हल्का कर दिया और उसने जान लिया कि तुम में कुछ कमजोरी है तो अगर तुम में से एक सौ सबर करने वाले हों तो वो दो सौ पर गालिब आ जाएंगे और अगर तुम में से एक हजार साबिर हो तो अल्लाह के इजन से दो हजार पर गालिब आ जाएंगे और अल्लाह सबर करने वालों के साथ है ये है अल्लाह की मदद कितना फायदा है दुनिया में भी सबर करने वालों के लिए किसी नबी के शायन शान नहीं कि उसके पास कैदी हो यहाँ तक कि वो जमीन में अच्छी तरह खून न बहा ले तुम दुनिया की जिंदगी का सामान चाहते हो और अल्लाह आख़िरत चाहता है और अल्लाह बहुत ज़बरदस्त खूब हमत वाला है जंग बदर के मार्के में कैदियों के बारे में बाजाम नहीं थे क्योंकि यह पहला मार्का था जब नबी सल वसम ने सत्तर कैदियों के बारे में मशवरा किया कि उनको कतल किया जाए या फिदिया लेके छोड़ दिया जाए तो जवाज़ की हद तक दोनों चीज़ों की गुंजाइश थी दोनों बातें जेरे गौर आई और हुआ यह कि ज्यादा बेहतर सूरत इख्तियार करने की बजाय जवाब की सूरत इख्तियार कर ली गई इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से इताब आया अगर अल्लाह की तरफ से पहले ही ना लिखा होता और अगर अगर अल्लाह की तरफ से पहले से ही लिखा हुआ ना होता तो जो फदिया तुमने लिया है उसके बदले ज़रूर तुम्हें बहुत बड़ा अजाब पहुंचता तो जो गनीमत तुमने हासिल की उसे हलाल और पाक समझते हुए खाओ और अल्लाह से डरो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है ए नबी जो कैदी तुम्हारे हाथों में है उनसे कह दीजिए अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में कोई भलाई जान लेगा तो वो तुम्हें इससे बेहतर अता कर देगा जो तुमसे फदिये में लिया गया है और वो तुम्हें बख्श देगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है तो बात यह है कि जो कोई अल्लाह के लिए किसी चीज़ को छोड़ता है अल्लाह ताला उससे बेहतर इवज उसको अता करता है और अगर ये आपसे खयानत इससे पहले ये अल्लाह से खयानत कर चुके हैं तो उसने उन्हें तुम्हारे काबू में दे दिया और अल्लाह बहुत इल्म वाला, बहुत हिकमत वाला है आमनू वा अन्फुसिहम वा अन्फुसिहम फी बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और जानों से जिहाद किया और वो जिन्होंने महाजरीन को पनाह दी यानी अनसार और मदद की यही लोग एक दूसरे के दोस्त हैं और जो लोग ईमान लाए मगर उन्होंने हिजरत न की तुम्हारे लिए उनकी सरपरस्ती का कोई जुम्मा नहीं जब तक वो हिजरत न कर जाए और अगर वो दीन के मामले में तुमसे मदद मांगे तो तुम पर मदद करना लाजिम है मगर उस कॉम के खिलाफ नहीं कि तुम्हारे और उनके दरमियान पुख्ता माहिदा हो और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसे खूब देखने वाला है तो यहाँ पर सहाबा की कैटेगरीज बताई जा रही हैं सबसे फजीलत में अव्वल महाजरीन हैं फिर उसके बाद हैं और ये एक दूसरे के हिमायती और मददगार हैं बाज ने कहा वारिस हैं लेकिन बरासत का हुक्म मंसूख हो गया था और महाजरीन और अलावा एक तीसरी किस्म के लोग भी हैं जो मुसलमान होने के बाद अपने ही इलाकों और जो मुसलमान होने के बाद अपने ही इलाकों और कबीलों में मुक़ीम रहे तो महाजरीन की यहाँ फजीलत बताई जा रही है और अनसार से तो आप बहुत ही मोहब्बत करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख़बरदार लोग मेरे ऊपर का कपड़ा है और अनसार मेरे नीचे का यानी जो बहुत क्लोज है यानी जो जिसम से मिला होता है अगर लोग एक वादी में चल रहे हों और अनसार एक पहाड़ी घाटी पर तो मैं अनसार की घाटी पर चलूंगा दीन की खिदमत करने वालों और दीन की मदद करने वालों से ख़ास मोहब्बत करनी चाहिए से। और जिन लोगों ने कुफर किया वो एक दूसरे के मददगार है ये ये तुमने ईमान की बुनियाद पर एक दूसरे की हिमात ना की एक दूसरे से ताउन ना किया एक दूसरे से मुहबत ना की तो फिर नुकसान होगा और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया और वो लोग जिन्होंने महाजरीन को पनाह दी और मदद की यही लोग सच्चे मोमिन हैं उनके लिए बख्शिश और इज्जत वाला रिस्क है और जो उसके बाद ईमान लाए और हिजरत की और तुम्हारे साथ मिलकर जिहाद किया तो यही लोग तुम में से हैं और अल्लाह की किताब में रिश्तेदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं इनिमार वरासत वगैरह के बेशक अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है यानी ईमान यहाँ एक बड़ा अहम नुकता याद रखने की ज़रूरत है ईमान की बुनियाद पर मोहब्बत और दोस्ती बहुत कीमती बहुत वैल्यूबल है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंसान अपने घर वालों अपने रिश्तेदारों को भूल जाए और उनको इग्नोर कर दे और उनके हुकूक अदा न करे उनके अपने हुकूक हैं जो हर सूरत अदा करने होंगे चाहे वो हमारे मददगार हैं या नहीं उनके साथ उनके हुकूक अदा करने की बुनियाद हसब नसब है रिश्तेदारी है रहम के रिश्ते हैं इसीलिए सदकात वगैरह में और वरासत में उन्हीं को मुकदम रखा जाएगा सूरत तोबा इसके बहुत से नाम हैं, लेकिन इसका नाम तोबा इसलिए है कि इसमें बाज मोमिन की तोबा कबूल होने का जिक्र है और इसका नाम बरा भी है अल्फाद भी है यह कुरान मजीद की वाद सूरत है जिसके आगाज में बिसम रहीम

एलाने बरात है अल्लाह और रसूल की तरफ से उन मुशरिकों के खिलाफ जिनसे तुमने معاہدہ कर रखा था पता मक् के बाद नौ हिजरी में रसूल अल्लाह रसुल्लाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक हजरत अली और दीगर साहबा को कुरान करीम की ये आयत और ये अहकाम देकर भेजा कि वो मक् में आम ऐलान कर दें उन्होंने आपके फरमान के मुताबिक ऐलान कर दिया कि कोई शख्स बैतुल्ला का उरिया तवाफ नहीं करेगा बल्कि आइंदा साल से किसी मुशरक़ को बैतुल्ला के हज की इजाजत नहीं होगी अब उनको क्या रुख्सत दी गई चार माह की कि तुम अब सोच लो कि तुम्हें क्या करना है तो अब तुम जमीन पर चार महीने चल फिर लो और जान लो कि तुम अल्लाह को आजिस्ट करने वाले नहीं हो और यह कि अल्लाह को रुसवा करने वाला है मोहलत देने का मकसद क्या था कि इतनी मुद्दत में खूब अपने बारे में सोच लें कि या तो मुसलमान हो जाए या फिर इस इलाके को छोड़ दें किसी और जगह अपना ठिकाना बना लें अगर इसके बाद वो यहां रहेंगे तो उनको पकड़ कर घेर कर घात लगा के जैसे मुमकिन होगा कत्ल कर दिया जाएगा क्योंकि अब इस सरजमीन को अल्लाह के दुश्मनों से पाक करना था क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल थे और आपको मक्का की जमीन पर तोहीद को इस्टेब्लिश करना था और अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से हज अकबर के दिन तमाम लोगों के लिए ऐलान है कि अल्लाह मुशरिकों से बरी जिम्मा है और उसका रसूल भी लिहाजा अगर तुम तोबा कर लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है और अगर तुमने रू गर्दानी की तो जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते और जिन लोगों ने कुफर किया उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए हज अकबर हज को कहते हैं और हज अकबर उमरे को कहते हैं ये नहीं कि जुमे के दिन जो हज होता वो अकबरी है वह हज अकबर ही है सिवाय उन मशरकों के जिन जिनसे तुमने माहिदा किया था फिर उन्होंने इस मुहिदे में तुमसे कोई कमी नहीं की फिर उन्होंने इस वाहिदे में तुमसे कुछ कमी नहीं की और ना ही तुम्हारे खिलाफ किसी की पुष्ट पनाही की तो तुम भी उनके साथ उनके वाहिदे की मुद्दत पूरी करो बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों से मोहब्बत करता है फिर जब हुरमत वाले महीने गुजर जाएं तो मुशरिकों को जहां कहीं पाओ कत्ल कर दो और उन्हें पकड़ लो और घेरो और उनके हर घात पर बैठ जाओ फिर अगर वो तौबा कर ले और नमाज कायम करे और जक़ात अदा करे तो उनका रास्ता छोड़ दो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है अब ये जो है कि जहां से उनको पाओ उनको कत्ल कर दो ये हर एक के लिए नहीं कहा गया कि जहां किसी काफिर को देखें कत्ल कर दें ये एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है बात यह है कि मौजूदा दुनिया में इंसान को जो रहने बसने का मौका दिया गया है वो किसी का हक नहीं है एक आजमाइश है इम्तहान है अल्लाह ताला जब तक चाहता है किसी को इस ज़मीन पे बसाता है और जब उसकी मदत ख़त्म हो जाती है और तो वहां या तो वो मौत से ख़त्म हो जाता है या अगर जैसे पिछली कौमों में जब पैगम्बर आए और लोगों को बहुत बहुत मोहलत दी गई जैसे साढ़े नौ सौ साल नूसम की कौम को दी गई फिर जब वो उनकी बात नहीं मानते तो फिर क्या हुआ जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो क्या हुआ उन अल्लाह का आज़ाब आ गया उन्हें ख़त्म कर दिया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखातबीन के साथ भी यही मामला हुआ इन पर कोई आसमानी या ज़मीनी आफत नहीं आई बल्कि इनको दावत पहुँचाई गई और फिर इनको एक लंबा अरसा दिया गया सोचने समझने के लिए लेकिन और फिर उसके बाद आखिरी अल्टीमेटम दे दिया गया कि अगर तुम मुसलमान होना चाहो तो हो जाओ अमन से यहाँ रहो नहीं होना चाहते कहीं और चले जाओ लेकिन अब यहाँ नहीं तुम रह सकते अगर रहे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस उम्मत की बात है उम्मत दावत की बात है कि जिसने नहीं माना तो उनके साथ वही सलूक हुआ जैसे पिछली कौमों की पिछली कौमों के साथ हुआ जब उन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी और अगर इन और अगर मुशरिकों में से कोई आपसे पनाह तलब करे तो उसे पनाह दे दीजिए यहाँ तक कि वो अल्लाह का कलाम सुन ले सुबहान अल्लाह यानी अभी भी उनके साथ कैसी नरमी की जा रही है फिर उससे फिर उसे उसकी जाय अमन तक पहुंचा दीजिए ये इसलिए कि ये, लो, ये वो लोग, तो इससे ये पता चलता है कि मुशरक अगर पनाह मांगे तो पनाह देना वाजिब है और फिर आप देखिए कि अगर कोई अल्लाह की बात सुनना चाहता है और इस्लाम को समझने का शौक रखता है तो उसकी उसके साथ ताउन करना चाहिए यह नहीं सोचना चाहिए ये किसी मतलब से आ रहा है इसका कोई मकसद है ये, ये शक न करें बिलावजा ठीक है अगर उसके अंदर तड़प है तलब है तो अल्लाह उसको हिदायत दे देगा और अगर नहीं तो अल्लाह ताला आपको उसके शर से महफूज रखेगा इन मुशरकों के लिए अल्लाह और उसके रसूल के नजदीक कोई अहद किस तरह हो सकता है सिवाय उन लोगों के, तुमने हराम के पास मुहिदा किया था तो जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहें तुम भी उनके साथ सीधे रहो बी लोगों से मोहब्बत करता है उनसे अहद बाकी रखना कैसे मुमकिन है जबकि अगर ये तुम पर गलबा पा जाए तो ये तुम्हारे मामले में किसी खराबतदारी और माहे का लिहाज ना करेंगे ये अपने मुँह की बातों से तुम्हें राजी करते हैं हालांकि दिल इनके इनकार करते हैं और इनकी अक्सरियत नाफरमान है इन्होंने अल्लाह की आयत को बहुत कम कीमत में बेच डाला फिर उसके रास्ते से रोका यकीनन बहुत बुरा है जो कुछ ये कर रहे हैं किसी मोमिन के बारे में ये किसी कराबतदारी और मुआहदे का लिहाज नहीं रखते और ये है ही हद से बढ़ जाने वाले यानी ये कतर रहमी करने वाले हैं और अहद शिकनी करने वाले इन दोनों की यहाँ मजम्मत की जा रही है कि ऐसे लोग फिर किसी मुहिदे का पास नहीं रखते फिर अगर ये तोबा कर लें और नमाज कायम करें और जक़त अदा करें तो ये दीन में तुम्हारे भाई हैं और हम आयात को उन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करते हैं जो इल्म रखते हैं तो याद रखिए तोबा की शरायत में से क्या है नमाज और जकवात की अदायगी यानी खाली ये कह देना अल्लाह मैं बड़ा गुनागार हूँ मेरी तोबा लेकिन ना नमाज पढ़े ना रोजा रखे ना कोई जकवात दे तो फिर ये झूठी तोबा है तोहबा इंसान को अमल बदलने की दावत देती है और अगर ये अपने पैमान दे देने के बाद अपनी कस्में तोड़ दे और तुम्हारे दीन में ताना जनी करें तो तुम भी कुफर के उन अलम्बरदारों से जंग करो शायद कि वो बाज आ जाए क्योंकि उनकी कस्मों का कोई एतबार नहीं तो तुम भी कुफर के इन अलमबर्दारों से जंग करो शायद कि ये बाज आ जाएं क्योंकि इनकी कसमों का कोई एतबार नहीं क्या तुम ऐसे लोगों से जंग नहीं करोगे जिन्होंने अपनी कसमें तोड़ दी और रसूल को मक्का से निकालने का इरादा किया और उन्होंने ही पहली मर्तबा तुमसे जंग छेड़ने की इब्तिदा की थी क्या तुम इनसे डरते हो तो अल्लाह ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो अगर तुम वाकई मोमिन हो तुम इनसे जंग करो अल्लाह तुम्हारे हाथों इन्हें अजाब देगा और इन्हें जलील और रस्वा करेगा और उनके खिलाफ तुम्हारी मदद करेगा और कौम के सीनों को शिफा बख्शेगा और इनके दिलों का गुस्सा दूर कर देगा और अल्लाह जिस पर चाहे मेहरबान होता है और अल्लाह खूब इल्माला बहुत हमत वाला है क्या तुमने समझ रखा है कि तुम यू ही छोड़ दिए जाओगे हालांकि अल्लाह ने अभी तक उन लोगों को जाना ही नहीं जिन्होंने तुम में से जिहाद किया हालांकि अल्लाह ने अभी उन अभी उन लोगों को जाना ही नहीं जिन्होंने तुम में से जिहाद किया और जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसकी खूब खबर रखने वाला है मुश्रकिन का ये काम नहीं कि वो अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करें जबकि ये अपने खिलाफ कुफर की गवाही देने वाले हों यही लोग हैं जिनके सब आमाल जाया हो गए और ये हमेशा आग ही में रहने वाले हैं और ये हमेशा आग में ही रहने वाले हैं यहाँ मसाजिद से मुराद मस्जिद है क्योंकि यह तमाम मसाजिद काबला और मरकज है अरबों में वाद के लिए भी जमा का इस्तेमाल जायज होता है और इसी तरह बाजू का जमा बोल के वाद का इस्तेमाल तो यहाँ ये यह बात समझ में आ रही है कि ईमान के बगैर नेकमाल बेबकत है ईमान के बगैर नेकमाल कबूल नहीं होंगे क्योंकि अहल अरब हज करते थे तवाफ करते थे उम्र करते थे हाजियों की खिदमत करते खाना खिलाते पानी पिलाते सबीलें लगाते लेकिन इन सब चीजों का कुछ फायदा न था क्योंकि उनके अंदर ईमान नहीं था बेशक अल्लाह की मस्जिदें तो वही आबाद करता है जो अल्लाह और योम आखरत पर ईमान लाए और नमाज क़ायम करे और जकवात अदा करे और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरे तो उम्मीद है कि वही लोग हिदायत पाने वालों में से होंगे तो ईमान के साथ साथ नेक आमाल भी बजा लाने चाहिए यहाँ फिर सिर्फ ईमान की बात नहीं की गई ईमान के बाद नमाज कायम करने की ज़क़ात अदा करने की और फिर अपने रवैयों में अपने डेली अपने डे, रूटीन के कामों में क्या करना है क्या करना है अल्लाह से डरते हुए सारे काम करने वालम यक्ष तो ऐसे ही लोग दरअसल हिदायत याफ्ता है

और उसने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया अल्लाह के नजदीक ये बराबर नहीं हो सकते और अल्लाह लोगों को हिदायत नहीं देता तो इससे पता चलता है कि बाज आमाल बाज आमाल से ज्यादा अफजल होते हैं यानी ईमान तो खैर अफजल तरीन चीज है उसके बगैर तो कुछ कबूल नहीं लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि मुशरकिन क्या करते थे किस चीज़ को नेकी समझते थे हाजियों को पानी पिलाने को आज भी बहुत से लोग पिलाते पिलाना चाहिए नेकी है वो मना नहीं है सवाब का काम है कि जो लोग अल्लाह के रास्ते में गए हैं उनकी कुछ खिदमत की जाए लेकिन दूसरा वो है जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहा है अपनी जान लड़ा रहा है अपना वक्त लगा रहा है अपना माल लगा रहा है अपना आराम और उसने कुर्बान किया हुआ है तो अब ये दो काम जो है ये दोनों में फर्क है कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप सिर्फ माल से कर लेते हैं किसी भी मौके पर बस सिर्फ अपनी कुछ कंट्रीब्यूशन दे दी चलिए इस प्रोजेक्ट में हमारा भिस्सा डाल दें और दूसरे वो लोग होते हैं कि जो अपने आप को भी ऑफर करते हैं माल भी लगाते हैं और अपना वक्त भी लगाते हैं सलाहियतें भी लगाते हैं तो जाहिर है कि जो चीज़ आप लगाएंगे उसी का बदला आपको मिलेगा सिर्फ माल लगाएंगे तो सिर्फ माल का ही आपको वापस मिलेगा और अगर माल के साथ जान भी लगाएंगे तो फिर आपका अजर दुगना हो जाएगा अबूरारा कहते हैं कि मैंने नबी सल्म को फरमाते हुए सुना अल्लाह के रास्ते में घड़ी भर खड़ा होना हजर असमद के सामने ललित के क्याम से बेहतर है अल्लाह के रास्ते में एक घड़ी खड़ा होना यानी सरहदों की हिफाजत के लिए या दीन की खिदमत और दीन की हिफाजत के लिए रसूल अल्लाह वसल्लम से सवाल किया गया कौन सा अमल सबसे अफजल है आपने फरमाया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना पूछा गया फिर इसके बाद क्या आपने फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद करना पूछा गया इसके बाद आपने फरमाया मकबूल तो अल्लाह की रास्ते में सख्त मेहनत करना भाग दौड़ करना कोशिश करना ये बहुत अजीम कामों में से है बहुत अजर सवाब का बायस है जो लोग मान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और अपनी जानों से जहाद किया वो अल्लाह के नजदीक दर्जे में ज्यादा बड़े हैं और यही वो लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं उनका रब उन्हें अपनी तरफ से रहमत और रजामंदी और ऐसे बागात की बशारत देता है जिनमें दायमी नेमतें हैं फीहा नईम मुकीम दायमी आसाइशें हैं खालिदीन फीहा खालिदीन फीहा अबदा इन्नल्लाह इंदहु अजरु अजीम वो उनमें हमेशा हमेशा रहने वाले हैं बेशक अल्लाह के पास बहुत बड़ा अजर है ऐ जो ईमान लाए हो अपने बापों और अपने भाइयों को अपना सरपरस्त ना बनाओ अपने बापों और अपने भाइयों को सरपरस्त ना बनाओ अगर वो ईमान पर कुफर को तरजीह दें और जो कोई तुम में से उन्हें सरपरस्त बनाएगा तो यही लोग हैं قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीबिया और तुम्हारे खानदान और तुम्हारे वो माल जिन्हें तुमने कमाया है और वो तिजारत जिसके मंदा होने का तुम्हें अंदेशा है और वो घर जिन्हें तुम पसंद करते हो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसके रास्ते में जहाद करने से ज्यादा महबूब है तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला ले आए और अल्लाह नाफरमान कौम को हिदायत नहीं देता यहाँ इंसान की पसंद की महबूब चीजें सब गिनवा दी गई और ये इंसान के इम्तहान हैं चाहे उसका खानदान हो बिजनेस हो मसाकिन घर हो आबा अबना, अजवाज हो ये सारी चीजें इनसे मोहब्बत एक इंसान की तबीयी मोहब्बत होती है लेकिन और ये नागुजीर भी होती इन चीजों से इंसान के अंदर एक कुदरती मोहब्बत और एक अट्रैक्शन होती है इंसान के अंदर इन चीज़ों की और इसे कोई भी खाली नहीं है और हमें यह नहीं कहा गया कि इन चीज़ों से मोहब्बत ना करो मना नहीं किया गया ज़रूरी है ये लेकिन अगर इन चीज़ों की मोहब्बत अल्लाह और रसूल की मोहब्बत से और अल्लाह की राह में जिहाद में माने हो रुकावट डाले तो ये बात अल्लाह को सख्त नापसंदीदा है और अल्लाह की नाराज़गी का बायस है इसकी वजह से इंसान अल्लाह की हिदायत से महरूम हो सकता है अल्लाह और उसके रसूल से कितनी मोहब्बत होनी चाहिए हर चीज से बढ़कर वल्ली लिल्लाह और रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम से मोहब्बत अपनी जान माल औलाद से बढ़कर होनी चाहिए नबी अलैहि सल्ला ने फरमाया कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसको उसके वालिद उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं और इसी तरह अल्लाह के रास्ते में निकलना अल्लाह के दीन के लिए मेहनत करना यह भी हमें दुनिया के कामों से ज्यादा महबूब होना चाहिए यानी एक इंसान कोई जॉब करता है उसको जॉब उसका पैशन है उसको बहुत मेहनत करता है उसमें बहुत एक्सेल करता है अच्छी बात है हलाल कमाई कमा रहा है मेहनत करके अगर जरिया हलाल है लेकिन सिर्फ उसी का होके रह जाना और अल्लाह के दीन के लिए कोई वक्त ना निकालना ना माल निकालना ना जान यानी इंसान या तो जान से करे या माल से करे या दोनों से करे या फिर किसी एक से भी नहीं करता कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं करते अल्लाह के दीन के लिए कुछ वक्त ही नहीं निकालते यानी या तो पाँच दिन अपनी जॉब में मसरूफ़ रहेंगे नाइन टू फाइव और जो वीकेंड होगा तो एंटरटेनमेंट मिलना जुलना खेल कूद न मस्जिद न मदरसा न दीन न न आखिरत न फ़िकर ना घर वालों की ना अपनी ये कैसी जिंदगी तो इसलिए हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो अपनी आखिरत के लिए क्या कर रहा है और अल्लाह की राह में कितना थक रहा है क्योंकि इसी से फिर आगे जहां हमेशा रहना यानी एक तो ना दुनिया में रहना और उसके लिए आप इशरत के सामान इकट्ठे कर रहे हैं माल समेट समेट के और एक ये है कि आपने आगे भी जाना है तो इंसान जरूर सोचे कि आगे के लिए क्या किया है आप देखिए इस वक्त ज्यादातर मसाजिद में कौन लोग नजर आते हैं जो रिटायर्ड हैं जो जिनका काम काज खत्म हो चुका है लेकिन जो हमारी यूथ है हमारे यंगस्टर्स हैं हमारे बच्चे हैं उनके क्या ट्रेंड्स हैं उनके लिए कौन सा वक्त है उनको कौन लेकर आएगा उन्हें कौन अहमियत बताएगा उन्हें कौन ये रास्ता दिखाएगा उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी सख्त मेहनत यही मेहनत ये मेहनत भी एक जिहाद है कि उनको बिस्तरों से उठा कर तैयार करके आप सुबह सुबह मस्जिद लेकर आए मदरसा लेकर आए और उनको दीन सीखने के लिए तैयार करें फिर फरमाए अल्लाह ने बहुत से मकाम पर तुम्हारी मदद की थी और हुनैन के दिन भी जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें खुद पसंदी में मुबला कर दिया तो उसने तुम्हें कुछ भी फायदा ना दिया और बावजूद कुशादगी के तुम पर जमीन तंग हो गई फिर तुम पीठ फेर कर पलट गए हुनैन मक्का और तयफ के दरमियान एक वादी है यहाँ हवाजन और शकीफ कबाइल रहते थे ये दोनों कबाइल तीर अंदाजी में मशहूर थे ये मुसलमानों के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहे थे जिसका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ तो आप बारह हजार का लश्कर लेकर इन कबीलों से जंग के लिए हुनैन तशरीफ ले गए ये फतह मक्का के अठारह उन्नीस दिन बाद शबाल का वाक है मक्का फतह रमजान में हुआ था हम्म हुनैन वालों ने खूब तैयारी की लेकिन इधर मुसलमानों के अंदर दिल में कुछ उजब सा आ गया आज हम अपनी कसरत की वजह से जरूरी कामयाब होंगे। अल्लाह की मदद की बजाय कसरत पे इतमाद हो गया इंसान जब कमजोर होता है ना तो अल्लाह से मदद मांगता रहता मांगता जरा सी ताकत पकड़ता तो अकड़ जाता है तो बहरहाल अब हुआ क्या कि जब मुसलमान वहां गए तो वो तो बहुत तीर अंदाज कौमी थी जिनसे मुकाबला था उन्होंने अचानक तीनों की बौछाड़ कर दी तो मुसलमानों के कदम उखड़ गए भाग खड़े हुए मैदान में सिर्फ रसूल के, के बंदो मेरे पास आओ मैं अल्लाह का रसूल हूँ फिर आपने हजरत हजरत अब्बास को जो बहुत बुलंद आवाज वाले थे हुक्म दिया कि मुसलमानों को जमा करने के लिए आवाज दें जब उन्होंने आवाज सुनी तो दोबारा मैदान में और जम के लड़े फिर पता हजार लोगों को कैदी बनाया गया इतने लोग हाथ आए तो बहरअल सबक यहाँ से क्या मिलता है कि खुद पसंदी अपनी ताकत पर भरोसा अल्लाह ताला को पसंद नहीं आता असबाब जितने भी अच्छे हों आपके पास अल्लाह की तरफ रुजू करे अल्लाह से दुआ और अल्लाह म... से दुआ करे और मदद मांगे असबाब से दिल जोड़ने की बजाय अल्लाह पर भरोसा करे फिर अल्लाह ने अपने रसूल और मोमिनों पर अपनी सकीनत उतारी और ऐसे लश्कर उतारे जिन्हें तुमने देखा नहीं जिन्हें तुमने नहीं देखा और उसने उन लोगों को अजाब दिया जिन्होंने कुफर किया और ऐसे काफिलों का यही बदला है फिर इसके बाद अल्लाह जिस पर चाहेगा मेहरबान होगा और अल्लाह बहुत बख्शने वाला रहम करने वाला है। है तो इससे ये पता चलता है कि किसी ने कितने ही बड़े गुनाह का ना किया हो अल्लाह की रहमत और बख्श से हरगिज मायूस नहीं होना चाहिए ऐ लोगो जो ईमान लाए हो बेशक मुशरिकीन नापाक हैं वो अपने इस साल के बाद मस्जिद हराम के करीब ना आए और अगर तुम्हें किसी मुफलिस का डर है तो अनक़रीब अल्लाह अगर चाहेगा तो अपने फजल से तुम्हें गनी कर देगा बेशक अल्लाह खूब वाला बहुत हमत वाला है यानी वो ज़ाहरी तौर पर भी तहारत नहीं अख्तियार करते और बातनी तौर पर शिर की निजास्त है इन अहल किताब में से उन लोगों से जंग करो जो अल्लाह और योम आखरत पर ईमान नहीं रखते और ये उसे हराम समझते हैं जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया और नीन हक को अपना दीन बनाते हैं यहाँ तक कि ये जलील होकर अपने हाथ से जिजिया दें जिजिया एक तरह का टैक्स होता है और यहूद ने कहा कि उजैर अल्लाह का बेटा है और न ने कहा कि मसीह अल्लाह का बेटा है ये इनके मुँह की बातें हैं ये इन लोगों की बात नकल करते हैं ये उन लोगों की बात नकल करते हैं जिन्होंने इनसे पहले कुफर का इर्तिकाब किया अल्लाह इन्हें हलाक करे ये कहां से फेरे जाते हैं इन्होंने अल्लाह को छोड़कर अपने उलमा और अपने राहबों को रब बना लिया और नसीब ने मरियम को भी हालांकि ये सिर्फ एक सिर्फ एक अकेले माबूद की इबादत का हुक्म दिए गए थे उसके सिवा कोई माबूद नहीं है पाक है वो उससे जो ये शरीक ठहराते हैं पाक है वो इससे जो शरीक ये ठहराते हैं पहले किताब ने उलमा को कैसे रब बना लिया अदी बिन हाथिब ईसाई थे मुसलमान हुए तो उन्होंने जब यह आयत सुनी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया और कहा कि हमने तो कभी अपने उलमा को अपना रब नहीं माना उनकी इबादत नहीं की तो फिर ये क्यों कहा गया आपने फरमाया ठीक है कि उन्होंने उनकी इबादत नहीं की अहले किताब ने लेकिन ये बात तो है ना कि इन उलमा ने जिसको हलाल करार दिया उसको उन्होंने हलाल समझा और जिस चीज को उन्होंने हराम कर दिया उसी को हराम समझा यही उनकी इबादत करना है इससे ही पता चलता है कि अगर इंसान अल्लाह के अलावा किसी और के कहने पर चीजों को हलाल हराम करता है तो वो फिर उसकी इबादत में शामिल होता है और हलाल हराम का फर्क रखना ये भी इबादत है ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंहों से बुझा दें जबकि अल्लाह इनकार करता है मगर ये, मगर ये कि वो अपना नूर पूरा करे अगर चे काफिर ना पसंद करें वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि उसे सब अध्यान पर गालिब कर दे अगर चे मुश्रे किसे ना पसंद करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नाफे और अमल साले का हुक्म देकर भेजा गया था इल्म नाफे वो होता है जो इंसान को अल्लाह की तरफ रहनुमाई करता है बेहतरीन अखलाक और आमाल सिखाता है जिसमें दुनिया और आख़रत की कामयाबियां छुपी हुई होती हैं फिर फरमाया या अय्युहल आमनु इन कसीरन मिन अल अहबारी व अर-रहबानी याकुलूना ऐ लोगो जो ईमान लाए हो बहुत से उलमा और राहब लोगों के माल बातिल तरीके से खा जाते हैं और अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और जो लोग सोना और चांदी खजाना बना कर रखते हैं यानी उसकी जकवात नहीं देते और उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते तो आप उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दीजिए अहबार हिब्र की जमा है ऐसा शख्स जो बात को खूबसूरत तरीके से पेश करने का तरीका रखता हो इससे मुराद उलमाय यहूद हैं और रोहबास राहिब की जमा है इससे मुराद उलमाए नसारा हैं तो यहाँ पिछली उम्मतों के तौर तरीकों की पैरवी से मना किया जा रहा है कि जिस तरह उनके मजहबी रहनुमाओं ने लोगों को एक्सप्लाइट किया उनको गलत फतवे देकर उनसे रिश्वतें कबूल की तो यानी मुसलमानों के उलमा ऐसा काम ना करें और कंज वो खजाना होता है जिस पर जक़ात नहीं दी जाती तो जो लोग जक़ात नहीं देंगे उनके साथ क्यामत के दिन क्या होगा जिस दिन उसे जहन्नम की आग में तपाया जाएगा यानी उनके माल को फिर उसके साथ उनकी पेशानियां, उनके पहलू और उनकी पुश्ते दागी यानी जलाई जाएंगी और कहा जाएगा यह है जो तुमने अपने लिए खजाना बनाया था लिहाजा चखो मजा इस खजाने का जो तुम जमा करते रहते थे इतना इद्दत शहूर इंद इतना आशा शाहरन पी किबिल्ला बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद अल्लाह की किताब में बारह महीने हैं जिस दिन से उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया था इनमें से चार हुरमत वाले हैं इनमें से चार महीने हुरमत वाले हैं यही दुरुस्त दिन है बस तुम इनमें अपनी जानों पर म न करो और इकट्ठे होकर मुशरिकों से जंग करो जैसे वो इकट्ठे होकर तुमसे जंग करते हैं और जान लो कि बेशक अल्लाह मुत्तकी लोगों के साथ है बेशक नसी यानी महीनों को आगे पीछे करना कुफर में जाती है जिससे वो लोग गुमराह किए जाते हैं जिन्होंने कुफ़्र किया ये उसे एक साल हलाल कर लेते हैं और एक साल उसी को हराम करार देते हैं ताकि ये उन महीनों की तादाद पूरी कर लें जो अल्लाह ने हराम करार दिए हैं तो इस तरह ये हलाल कर लेते हैं जो अल्लाह ने हराम करार दिया इनके बुरे आमाल इनके लिए मुजीन कर दिए गए हैं और अल्लाह काफिर कौम को हिदायत नहीं देता यहाँ नसी का कायदा बताया जा रहा है नसी का मतलब होता तो है पीछे करना अरबों में हुरमत वाले महीनों में किताल और जिदाल और लूट मार सख्त नापसंद समझा जाता था सख्त नापसंद किया जाता था लेकिन इससे बचना भी इनके लिए बड़ा मुश्किल था इसका हल उन्होंने क्या निकाला कि जिस हुरमत वाले महीने में वो कत्लो गारत करना चाहते हैं उसको कोई और महीना डिक्लेयर कर दे और उस महीने को हरमत वाला बना दे इन्हें महीनों के नाम बदल देते और अपनी मर्जी करते थे लेकिन नबी हज़तुल वदा किया उस तो वक्त फरमाया कि जमाना घूम घाम कर अपनी असली हालत में आ गया है जब से अल्लाह ने दुनिया को पैदा किया अब ये क्योंकि हमारे दीन में तो इबादत इन महीनों से वाबिस्त है तारीखों से वाबिस्ता है नौजिलहजा को अगर हाज नहीं करेंगे तो हज नहीं होगा चाहे आप जितनी चाहे मशक्क़त करके आ जाए तो इसलिए जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया तो एन अपने सही वक्त पर वाकई जिस तरह अल्लाह ने पैदा किया था उसके मुताबिक उस दिन पर वो ले जाया फिर फरमाया ऐ लोग जो ईमान लाए हो तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे कहा जाता है कि तुम अल्लाह के रास्ते में निकलो तो तुम बोझल होकर जमीन से लग जाते हो क्या तुम आखरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी पर राजी हो गए बस दुनिया की जिंदगी का सामान आखरत के मुकाबले में बहुत ही कम है शाम के ईसाई बादशाह हिरकल के बारे में नबी को सला मिली कि वो मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहा है लिहाजा नबी अलैहि वसल्लम ने भी उसके लिए तैयारी का हुक्म दे दिया ये शवाल नौ हिजरी का वाक़ है मौसम सख्त गर्म था सफ़र बहुत लंबा था बाज मुसलमानों और मुनाफिकन पर यह हुक्म बहुत मुश्किल गर गुजरा तो उसका इजहार इस शायद में किया गया है और उन्हें लानत मलामत की गई ये गजब तबूक कहलाती है यानी ये जंग लेकिन हकीकत में हुई नहीं थी मुसलमान बीस रोज तक शाम के करीब तबूक में रह के वापिस आ गए इसको उसरा भी कहा जाता है क्योंकि इस लंबे सफर में इस लश्कर को काफी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ा था तो यहाँ कुछ लोग जो के पीछे रह गए थे उनको या कुछ लोग जो मुश्किल समझ रहे थे इस काम को उनसे उनको एक तरह से इताब किया जा रहा है कि दुनिया की राहत को आखरत की राहत पर मुकदम ना करो आखरत के फायदे में दुनिया का नुकसान होता है तो कोई नुकसान नहीं वो अल्ला तन फिर यो को मजाबन अलीमा अगर तुम नहीं निकलोगे यानी अः मुसलमानों अगर तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं निकलोगे तो वो तुम्हें दर्दनाक अजाब देगा और तुम्हारे अलावा किसी और कौम को बदल कर ले आएगा और तुम उसे कुछ भी नुकसान ना दे सकोगे और अल्लाह हर चीज पर खूब कुदरत रखने वाला है यानी अल्लाह तदिर है जिसका हुक्म बगैर किसी वास्ते के नाफि होता है वो बेबस नहीं। नहीं वो नहीं, यानी ऐसा पूरी तरह कर सकता है, है और ये होता है ना चौदह सौ साल से दीन इस्लाम का पैगाम अगली नस्लों को पहुंच ही रहा है ना कितने लोगों का उसमें हिस्सा है वो कितने खुशकिस्मत है जिनके लिए वो सब सदका जारिया बन गया कि उन्होंने अपने हिस्से का काम किया उनसे लेके आगे दूसरे दूसरे तीसरे ने और सिलसिला हम तक पहुंचा आज हमें अल्लाह ने सादत बख्शी कि हम इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें लेकिन अगर हम नहीं करते तो आपका क्या ख्याल है कि ये दीन खत्म हो जाएगा नहीं ये किसी और के हिस्से में आ जाएगा। इस काम को सादत समझना चाहिए कि हम इसमें कुछ ना कुछ हिस्सा डाल दें फरमाया अगर तुम इस नबी की मदद नहीं करोगे तो यकीन अल्लाह ही ने उस वक्त उनकी मदद की जब काफिरों ने इन्हें मक्का से निकाल दिया था वो दो में से दूसरे थे जब वो दोनों गार में थे जब वो अपने साथी से कह रहे थे गम न करो बेशक अल्लाह हमारे साथ है तो अल्लाह ने उन पर अपनी सकीन उतार दी और उनकी मदद ऐसे लश्करों से की जो तुमने नहीं देखे और जिन लोगों ने कुफर किया उनकी बात को उसने नीचा कर दिया और अल्लाह का कलिमा ही सबसे बुलंद है और अल्लाह बहुत जबरदस्त खूब हमत वाला है यहाँ जहाज से पीछे रहने वालों को तमबीह की जा रही है कि अगर तुम रसूल की मदद नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद का मोहताज नहीं अल्लाह अपने पैगम्बर की मदद जरूर करता है और फिर मिसाल से बताया कि वो जब गार सौर में थे तो उस वक्त उनकी मदद किसने की थी जबकि दुश्मन बिल्कुल सर पे पहुंच गया था तो वहां अल्लाह ताला ने सकीनत भी उतारी और फरिश्तों से मदद भी की फिर निकलो खिफाफम वन हल्के हो या बोझल और अपने मालों और अपनी जानों के साथ अल्लाह के राह में जिहाद करो ये बात तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो यानी मतलब यह है कि तुम इनफरादी तौर पर या इजमी तौर पर खुशी से या नाखुशी से आसानी से या मुश्किल से गरीब हो या अमीर जवान हो या बूढ़े प्यादा हो या सवार अहलोयाल के साथ हो या बगैर तुम अल्लाह के रास्ते में निकलो हर कोई अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक कुछ न कुछ हिस्सा दीन की खिदमत के लिए अपने वक्त अपनी जान माल का जरूर लगाए या जरूर दे सहाबा कराम अपने आखिरी वक्त तक जिहाद करते रहे अनस रजियाल्ला कहते हैं कि अबू तलहा जो उनके सुतेले बाप थे हराम के उम्मे सुम के शौहर थे उम्मे सैम के शौहर थे उन्होंने ये आयत पढ़ी कहने लगे ये अबू ताला भी वैसे कैसे अमल करने वाले थे लन तनाबिर की आयत पढ़ी तो सारा बाग सदके में दे दिया ये आयत पढ़ी तो कहने लगे मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बूढ़ों और जवानों सबको निकलने के लिए कहा है उनकी औलाद ने कहा अब्बा जान आपने रसूल अल्लाह रसुल्लासलम के हमरा जंगे लड़ी हती कि वो फौत हो गए अबू बकर और उमर के साथ भी और वो चले गए तो हम आपकी जगह जंग करेंगे मगर वो ना माने चनाचे उन्होंने समुन्दर का सफर इख्तियार किया यहाँ तक के फौत हो गए सात दिन तक उन्हें दफन करने के लिए कोई जजीरा ना मिला कश्ती में ही फौत हो गए इस दौरान उनके जिस्म में कोई तब्दीली ना आई अल्लाह के रास्ते में थे ना इसी तरह मकदार बन असवद जो थे बुढ़ापे और भारी जिस्म के बावजूद निकले एक आदमी ने कहा काश आप इस साल जंग के लिए ना जाए कहा सूरत तौबा हमें पढ़ने की बैठने की इजाज़त नहीं देती सूरत तौबा हमें बैठने की इजाज़त नहीं देती अल्लाह तला ने फरमाया फिर खिफाफालन नब्बे साल, साल की उम्र में कुतिया कॉन्स्टेंटिनोपल जाने वाले नी, तुर्की जाने वाले लश्कर में आप शरीक हुए इनके अमीर यजीद बिन मावियत है बीमार हुए तो यजीद इनकी बीमार कुर्सी के लिए आए पूछा कोई ख्वाहिश हो तो बताए पर मेरी ख्वाहिश है कि जब मैं फौत हो जाऊँ तो सवार होकर दुश्मन की सरजमीन में जहाँ तक तुम आगे जा सको जाओ जब आगे बढ़ने की गुंजाइश ना रहे तो मुझे वहाँ दफन करके आना फिर वापस आ जाना अबू अयूब भी ये आयत पढ़ा करते थे इन फिर खिफाफन वसन निकलो हल्के हो या भोचल हमें ज़रा से कोई काम आ जाता है ज़रा सा कोई टाइम टेबल ऊपर नीचे हो जाता है हम फ़ौर छुट्टी कर लेते हैं हम अपने मकसद को भूल जाते हैं कभी कोई उजर आड़े आ जाता है कभी कोई उजर आड़े आ जाता है यहां पर मालों को पहले रखा गया जाहिदू भी अम्बाले को मानपू सिको इंसान खुद आ जाता है लेकिन माल नहीं लगाता लेकिन दोनों चीजें हों तो फिर तरक्की तेजी से होती है सहल बिन साद कहते हैं नबी वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की राह में एक दिन मोर्चे पे रहना दुनिया माफी हाथ से बेहतर है जन्नत में तुम में से किसी के कोड़ा रखने की जगह दुनिया और माफिया से बेहतर है किसी शख्स का सुबह या शाम के वक्त अल्लाह की राह में चलना सारी दुनिया और माफिया से बेहतर है और याद रखे इल्म के रास्ते में चलना भी और ख़ासतौर पर दीन के इल्म के रास्ते में चलना भी अल्लाह के रास्ते में चलना है अभी हमें अपना अजर नज़र नहीं आता ना इसलिए हमें सुस्ती पर आ जाती है कि चलो आज आराम कर लेते हैं आज घर में जरा लेट के सुन लूँगी लेकिन लेकिन जिसको अजर पता होता है वो थका हारा भी हो तो उठ के खड़ा हो जाता है जाके थकावट उतर जाती लेकिन कुछ लोगों की ज्यादा हो जाती है जिनका दिल नहीं लगता ऐसी मजलिसों में अगर माल गनीमत का हसूल करीब और सफर दरमियाना होता तो वो जरूर आपकी पैरवी करती है अगर दुनिया का कोई माल मिलना होता तो निकल जाते जॉब्स पे तो कभी हम छुट्टी नहीं करते इस, इस बहाने से कि आज मैं थक थकी हुई हूँ तो देर से उठूंगी तो मैं फोन कर देती हूँ आज नहीं मैं आ सकती अगर माल गनीमत का हुसूल करीब और सफ़र दरमियाना होता तो वो जरूर आपकी पैरवी करते लेकिन मसाफत इन पर दूर हो गई और अन करीब वो अल्लाह की कस्में में खाएंगे कि अगर हम इस्तात रखते तो ज़रूर तुम्हारे साथ निकलते ये अपनी जानों को हलाक कर रहे हैं और अल्लाह जानता है कि बेशक ये वाकई झूठे हैं ये आयत ग तबुक से पीछे रह जाने वालों के बारे में आई जिनकी अक्सरियत मुनाफिकीन की थी कि ये मुनाफिक अगर माल मिलने की कोई तो होती और सफर ज्यादा दूर ना होता तो जरूर साथ चल पड़ते कि कुछ फायदा हासिल कर लेंगे अल्लाह ने आपको माफ कर दिया आपने इन्हें क्यों पीछे रहने की इजाजत दी यहाँ तक कि सच बोलने वाले आप पर जाहिर हो जाते और आप झूठों को भी जान लेते जो लोग अल्लाह और योम आखरत पर ईमान रखते हैं वो आपसे कभी इजाजत नहीं मांगेंगे इससे कि वो अपने मालों और अपनी जानों से जिहाद करें और अल्लाह मुत्तकी लोगों को खूब जानने वाला है बेशक आपसे वही लोग इजाजत मांगते हैं जो अल्लाह और योम आखरत पर ईमान नहीं रखते और जिनके दिल शक में पड़े हुए हैं लिहाजा वो अपने शक में ही डावा डोल लिहाजा ये अपने शक में ही डाव डोल है शक से नेकी के कामों में रगबत कम हो जाती है और अगर वो निकलने का इरादा करते तो उसके लिए साजो सामान तैयार करते लेकिन अल्लाह को इनका उठना पसंद न था तो उसने इन्हें रोक दिया और कह दिया गया अब बैठने वालों के साथ तुम भी बैठे रहो तो बात यह है कि अगर इरादा होता तो ज़रूर तैयारी करते तो ये ईमान की अलामत है कि इताद के काम के लिए वक्त से पहले तैयारी कर ली जाए नमाज का वक्त करीब है पहले से घड़ी देख कर रखी जाए कितनी देर रह गई और फिर उसके मुताबिक अपने काम वाइंड अप किए जाएं और याद रखें कि नेकी के कामों में सुस्ती का मुजाहरा करना निफाक की अलामत में से है इसीलिए अल्लाह फिर तौफीक ले छीन लेते हैं फिर फरमाया अगर ये तुम में शामिल होकर निकलते भी तो तुम्हारी खराब तुम्हारे लिए खराबी के सबा किसी और चीज में इजाफा ना करते अगर ये तुम में शामिल होकर निक, और अगर ये तुम में निकलते भी तो तुम्हारे लिए ख़राबी के सिवा किसी चीज़ में इजाफा न करते और तुम्हारे दरमियान फितना फना पैदा करने के लिए ज़रूर घोड़े दौड़ाते और तुम्हें ऐसे लोग हैं जो इनकी बातें कान लगा के सुनते हैं और अल्लाह जालिमों को खूब जानने वाला है तो मुसलमानों को तसली दी जा रही है कोई बात नहीं अगर ये नहीं आए अगर ये आते तो तुम्हारे लिए मुश्किल ही खड़ी करते चुगलखोरी करके तुम्हारे अंदर फितना बर्पा करते इंतशार फैलाते गलत राय देते गलत मशवरे देते तुम्हारे दरमियान अदावत पैदा करते यकीनन इन लोगों ने इससे पहले भी फितना डालना चाहा और आपके लिए कई मामला उलट पुलट कर दिए यहां तक के हक आ गया और अल्लाह का हुक्म जाहिर हो गया अगर नापसंद करने वाले थे यानी मुनाफिक जब से आप मदीना आए थे तो आपके खिलाफ इतने तलाश करते रहते और मामला खराब करते जंग जंगेहद के मौके पर इन्होंने क्या किया रास्ते से ही वापस लौट गए तो हर हर मौके पर इन्होंने कोई ना कोई ऐसा काम किया कि जिससे मुसलमानों को नुकसान हो और इनमें से कोई वो है जो कहता है मुझे पीछे रहने की इजाज़त दीजिए मुझे पीछे रहने की इजाज़त दे दीजिए और मुझे फितने में ना डालिए खबरदार फितने में तो ये पड़ चुके हैं बेशक जहन्नम काफरों को जरूर घेरने वाली है यानी अगर आप मुझे इजाज़त नहीं देंगे तो पीछे रुकने पर मुझे गुनाह होगा तो मुझे गुनागार ना कीजिए आप मुझे ये काम कह के गुनागार ना करें एक ने कहा कि वहां रूमी औरतें होंगी तो उनको देख के मैं सब्र नहीं कर सकता तो फितना है मेरे लिए बेहतर है मैं ना जाऊं अगर आपको कोई भलाई पहुंचती है ये तो ऐसा ही है कि कोई कहे कि मैं मस्जिद नमाज इसलिए नहीं पढ़ने जाता क्योंकि कुछ औरतें भी आजकल मस्जिद चली जाती हैं तो वो मेरे लिए फितने का बायस है अगर आपको कोई भलाई पहुंचती है तो इन्हें बुरी लगती है और अगर आपको कोई मुसीबत पहुंचती है तो ये कहते हैं हमने तो अपना बचाव पहले ही कर लिया था और ये इतराते हुए वापस लौट जाते हैं कुल लै युसीबना इल्ला كتب अल्लाह लना हुवा मौलाना व अला अल्लाह कह दीजिए हमें हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा मगर वही जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया और उसमें भी कोई खैर होगी फिर वही हमारा मौला है और अल्लाह ही पर मोमिनों को तवक्कल करना चाहिए बड़ा ही हौसला देने वाली आयत है ये यानी जब इंसान को ये पता चलता है ना कि अल्लाह की तरफ से मुकद्दर हर सूरत में होकर रहना है जो मुकद्दर में वो होकर रहेगा जो मुसीबत या भलाई हमें पहुंचती है तकदीर का हिस्सा है तो इंसान के लिए तकलीफ बर्दाश्त करना आसान हो जाता है तो कुल नहीं उसी बनाब अल्ला नमत अल्लाह की तरफ से है तो तकलीफ भी उसी के इजन से आती है और कितनी सच्ची है ये बात कि जिसने कजा व कदर में अल्लाह के राज को पा लिया उस पर मुसीबतें आसान हो गई कह दीजिए तुम हमारे बारे में जिसका इंतजार कर रहे हो वो दो भलाइयों में से एक है और हम तुम्हारे बारे में इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें अपने पास से कोई सजा दे या हमारे हाथों से बस तुम इंतज़ार करो बेशक हम भी तुम्हारे साथ इंतजार कर रहे हैं यानी या कामयाबी या शहादत दोनों में से जो भी हमें हासिल हो वो हमारे लिए खैर ही खैर का बायस है लेकिन तुम्हारे लिए तो तुम्हें या तो या तो तुम कत्ल हो गए या कैदी हो जाओगे या फिर आखरत का अजाब ये सब पर अल्लाह कादिर है कह दीजिए खुशी से खर्च करो या ना खुशी से तुमसे हरगिज को ना किया जाएगा तुम नाफरमान लो तो अल्लाह की नाफरमानियों से बचना चाहिए क्योंकि अल्लाह की बाज नाफ़रमानियां गुनाह ऐसे होते हैं जो डिलीट बटन की तरह होते हैं जो नेकियों को जाया कर देते हैं और नेक अमाल की अव्वल शर्त क्या कबूलियत नेक अमाल की कबूलियत की अव्वल शर्त क्या है ईमान और मुनाफिकीन में ईमान ही तो नहीं था और उनके सदक़ात कबूल होने में यही बात माने हुई कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया और ये नमाज के लिए नहीं आते मगर इस हाल में कि ये सुस्त होते हैं और ये खर्च नहीं करते मगर इस हाल में कि ये नापसंद करने वाले हैं यानी ये दोनों काम इनके ऊपर बड़े भारी हैं यानी एक इनका हैफर नाफरमानिया दूसरा काहली से नमाज पढ़ना तीसरा कराहत से खर्च करना यानी इनके सदक़त के अदम कबूलियत के ये तीन इस्बाब हैं नमाज जैसा अफजल और बेहतरीन अमल उसमें टाइम पर नहीं जाते उसमें खुशी से शरीक नहीं होते क्योंकि दिखावा जो करना है इमाम इब्ने क़य्यम कहते हैं नमाज में ये छह सिफात निफाक की अमामत है नमाज की तरफ जाते वक्त सुस्ती का मुजाहरा करना नमाज को अदा करते हुए लोगों के लिए दिखलावा करना उसकी अदायगी में ताखीर करना और जल्दी जल्दी ठोंगे मारना और उसमें अल्लाह का जिक्र कम करना और बाजमात नमाज पढ़ने से पीछे रहना ये सब ट्रेड्स मुनाफिकों में थे और मुनाफिकीन के लिए फजर और इशा की नमाज सबसे भारी होती है बस इनके माल और इनकी औलाद आपको में न डालें बस इनके माल और इनकी औलाद आपको ताजुब में न डालें बेशक अल्लाह यही चाहता है कि वो इनके जरिए इन्हें दुनिया की जिंदगी में अजाब दे और इनकी जाने इस हाल में निकलें कि ये काफिर हों मोमिनों को समझाया जा रहा है कि इनके माल और दौलत और दुनियावी चमक तमक से आप धोखे में ना पड़े क्योंकि इंसान के अंदर ये ख्याल आ जाता है ना अगर ये अल्लाह के नाफरमान है और अल्लाह इसे नाराज है तो इनके पास इतना माल क्यों है इनकी औलाद क्यों इतनी कामयाब है तो फरमाया कि इन चीज़ों की तरह नजर उठा के भी ना देखें ये हकीकी कामयाबी की अलामत नहीं है ये सब उन्हें क्यों दिया है ये फरावानी क्यों दी है भी भी ने सिर्फ ये ढील इसलिए दे रखी है औलाद की हिफाजत की में लगे ना दिन का चैन नसीब हो नाम ये, ये मालो दौलत इनके लिए अजाब का जरिया है और इनकी जाने इस हाल में निकले कि इनको ईमान की तोफीक ना हो कलमा नसीब ना हो वो यहाँ और ये अल्लाह की कस्म खाते हैं बेशक ये तुम ये तुम ही में से हैं, हालांकि ये तुम में से नहीं हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो डरते रहते हैं ये ऐसे लोग हैं जो डरते रहते हैं और उस डर की वजह से बस इस्लाम का इजहार करते रहते हैं चकनी चुपड़ी बातें करते रहते हैं अगर ये कोई जाए पनाह या कोई गार या कोई घुस बैठने की जगह पा ले तो सरपट दौड़ते हुए उसकी तरफ भाग जाए और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो सदकात की तकसीम के बारे में आप पर इल्जाम लगाते हैं फिर अगर ये इनमें से कुछ दे दिए जाए तो खुश हो जाते हैं और अगर ये उनमें से कुछ ना दिए जाए तो एकदम नाराज हो जाते हैं यानी दुनियावी अगराज की वजह से खुश या ना खुश होते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दीनार और दिरहम का बंदा और चादर का बंदा हलाक हो जाए उसे अगर दिया जाए तो राजी होता है अगर ना दिया जाए तो नाराज हो जाता है यानी माल ना मिले तो दीन का काम ही छोड़ देता है हलाक हो जाए और सरनगु हो जाए जब उसको कांटा चुभे तो कोई ना निकाले मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के बद्दुआ की और क्या ही अच्छा होता अगर वो इस पर राजी हो जाते जो अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें दिया और कहते कि अल्लाह हमें काफी है जल्द ही अल्लाह हमें अपने फजल से अता करेगा और उसका रसूल भी बेशक हम अल्लाह ही की तरफ रगबत करने वाले हैं इन नमज सदक़ातुलफ़ुराबल बेशक़ात यहाँ सदक़ है सदकात तो फुकरा और मसाकीन और उनका इंतजाम करने पर मामूर लोगों के लिए है और उनके लिए जिनके दिलों में उल्फट डालना मतलूब है और गर्दनों के आज़ाद करने में और कर्जदारों के लिए और अल्लाह के रास्ते में और मुसाफिर के लिए है ये एक फरीजा है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह खूब इल वाला खूब हमत वाला है यहाँ कुछ तो लोगों का जिक्र किया गया जैसे फोकर मसाकिन जकवात की मैनेजमेंट करने वाले और ऐसे ऐसे लोग के जो ऐसे नॉन मुस्लिम्स के जिनको अगर जकवात के माल में से दिया जाए कि वो मुसलमान हो जाए और फिर गर्दने छुड़ाने में कैदियों को छुड़ाने में और फिर कर्जदारों के लिए कि जो इतने मकरूज हो जाए अपनी जती ज़रूरियात के लिए कि वो सर ना उठा सकें लेकिन और इसी तरह मुसाफिरों के लिए लेकिन एक ऐसा है एक ऐसी शिक है जिसमें अल्लाह के रास्ते में फी सबील इसके लिए जरूरी नहीं कि किसी इंसान के हाथ में दिए जाए बैतुल माल में जमा हो सकता है ये माल और फिर उसके बाद वहां से हसब जरूरत तकसीम हो सकता है और इनमें से कुछ वो हैं जो नबी को अजियत देते हैं और कहते हैं वो कान का कच्चा है कह दीजिए कान तुम कह दीजिए कान तुम्हारे लिए बेहतर है और वो अल्लाह पर ईमान रखता है और वो अहले और अहले ईमान पर अतमाद करता है और उन लोगों के लिए बायस रहमत है जो तुम में से ईमान लाए और जो लोग अल्लाह के रसूल को अजियत देते हैं उनके लिए दर्दनाक असाब है नबी सल्ला वसम बड़े ही हलीम थे अफुदरगुजर करने वाले थे और जो आपके पास आता कोई अपनी बात सुनाना चाहता आप उसकी सुन लेते थे और मुनाफिकीन को ये डर होता था कि लोग हमारी शिकायत ना करें जाके हमारी इस्लाम दुश्मनी की बात ना बताएं तो वो अल्लाह के रसूल पर ही इल्ज़ाम लगाने लगे ये तो हर एक की बातें सुन लेते हैं ताकि अपना बचाव कर सकें अपने आप को सच्चा साबित कर सकेंबिल उर्दू कम ये तुम्हारे सामने अल्लाह की कसमें खाते हैं ताकि ये तुम्हें राजी कर दे हालांकि अगर ये ईमान वाले हैं तो अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि ये उसे राजी रखे और ये बात हमारे लिए भी है कि हमें लोगों की रजा से बढ़कर अल्लाह की रजा के लिए फिक्र करनी चाहिए और अगर हमें लोगों को लोगों को भी खुश करना तो अल्लाह की खातिर खुश करें उसका अजर भी अल्लाह से चाहे क्या ये नहीं जानते कि जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा तो यकीनन उसके लिए जहन्नम की आग है जिसमें वो हमेशा रहने वाला है ये बहुत बड़ी रसवाई है यानी वहा तकलीफ तो है ही बेजती भी बहुत बड़ी है मुनाफिक इस बात से डरते हैं कि इन पर कोई ऐसी सूरत ना उतार दी जाए जो इन्हें इनके दिलों की बातें बता दे कह दीजिए कि तुम मजाक उड़ाते रहो बेशक अल्लाह उसे जाहिर करने वाला है जिससे तुम डरते हो और ये मुनाफिक के बारे में तो है ही लेकिन एक आम जिंदगी का भी उसूल याद रखें कि जिस चीज का आपको खौफ आने लगे ना उसको तवक्कुल से काउंटर करें यानी मुझे डरने की जरूरत नहीं अल्लाह मेरा मददगार है मेरा अल्लाह मेरा काम करेगा मेरा अल्लाह मेरे लिए आसानी करेगा क्योंकि कहा जाता है और इस पर रिसर्च भी हो रही हैं कि जिस चीज़ से बाजुकात हम डरते हैं उसकी कोई हकीकत नहीं भी होती तो वो सोच ओवरथिंकिंग की वजह से सोच सोच के वो हो भी जाती है तो इसलिए क्योंकि वो एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने पढ़ा होगा कि जिन चीजों के बारे में हम सोचते रहते हैं उनकी तरफ एक अट्रैक्शन हो जाती है और उन चीजों की भी हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जब कुत्ते के पास से गुजरे तो डरे ना क्योंकि उसकी सेंसेस इतनी तेज है कि वो हमारे डर को भी महसूस कर लेता है और फिर हमारी कमजोरी समझते हुए वो अटैक भी कर सकता है तो अपने ऊपर कंट्रोल रखें भागे नहीं इसी तरह भैंस को देख के कभी नहीं भागे यहाँ तो खैर मौका नहीं आता लेकिन <laughs> क्योंकि वो पीछे भाग पड़ती जानवर होते हैं ना अगर आप भागे तो वो आप आपको गिरा देंगे वो समझ वो क्यों ऐसा समझते हैं वो समझते हैं आप उन पर अटैक करने लगे हैं तो वो अपने दिफाव में इसी तरह जैसे सांप है तो उसको जब यह महसूस होता है कि आप उसे मारने लगे हैं तो वो फौरन अटैक करता है और यही बाकी जा, जानवरों का हाल भी है तो इससे ये पता चलता है कि इंसान को बस अल्लाह से डर के गलत काम को छोड़ देना चाहिए क्योंकि अल्लाह सुबहान तला दिलों के राजों से वाकिफ है और अगर आप इनसे पूछें तो ये जरूर कहेंगे हम तो बस गपशप और दिल लगी कर रहे थे यानी जब आपके पास कोई ख़बर आती है और आप तहकीक करना चाहते तो ये बस टाल मटोल कर देते कह दीजिए क्या अल्लाह से और उसकी आयात से और उसके रसूल से तुम तो मजाक कर रहे थे यानी मुनाफिक की हकीकत खुल जाती तो उस पर वो बहाने बनाने लगते लेकिन ये हम सबको बड़ी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अगर किसी मजलिस में कोई दीन की बात करके हंसे या दीन वाले पे हंसे तो हमने संजीदगी इख्तियार करनी है क्योंकि अल्लाह उसका रसूल और उसके दीन के अहकाम हंसी मजाक के लिए नहीं है ला तजरू तुम उजर पेश न करो यकीन तुमने अपने ईमान के बाद कुफर का इरतक किया अगर हम तुम में से एक ग्रोह को माफ भी कर दें तो हम दूसरे ग्रोह को इस वजह से अजाब देंगे कि ये हैं ही मुजरिम लोग यहाँ पर क्या बात पता चल रही है कि दीन की मजाक दीन की बातों का मजाक उड़ाने वाला कुफर का इरतक करता है कर, कद कफर तुम ये मजाक उड़ा के तुमने क्या किया कुर किया और ये खुशखबरी भी मिल रही है कि जिसने निफाक से तौबा कर ली और फिर आइंदा जिंदगी मुखलिस होकर बसर की तो अल्लाह ताला उसे माफ कर देता है तो तौबा की तरगीब दी जा रही अलमुनाफिकूनमुनाफिक मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें सब एक ही तरह के हैं वो बुराई का हुक्म देते हैं और भलाई से रोकते हैं याद रखिए किसी को भी नेकी के काम से रोकना निपात की अलामत है और अपने हाथों को बंद रखते हैं खैर के रस्ते में कभी खर्च नहीं करेंगे ये अल्लाह को भूल गए तो उसने भी इन्हें भुला दिया बेशक मुनाफिक ही दरअसल नाफरमान है इन्नल मुनाफिकीन हुमुल फासिकून फासिक हैं

तुम भी पहले लोगों की मानद हो जो कुत में तुमसे ज्यादा सख्त और माल और, दौल, और माल और औलाद में बहुत ज्यादा थे तो उन्होंने अपने हिस्से से फ़ायदा उठाया तो उन्होंने अपने हिस्से का फायदा उठाया फिर तुमने भी अपने दुनिया के हिस्से से फ़ायदा उठाया जैसे उन लोगों ने अपने हिस्से से फ़ायदा उठाया था जो तुमसे पहले थे और तुमने भी इसी तरह बहस की जैसे उन्होंने बहसे की यही लोग हैं जिनके अमाल दुनिया और आखिरत में जाया हो गए और यही लोग हैं जो खसारा पाने वाले हैं पहले मुनाफिकीन का जिक्र गायब के सीगे में था अब तंबीह के लिए हाजिर का सीगा इस्तेमाल किया गया है बराहराज तुमसे खिताब किया जा रहा है अब मुनाफिकीन की पिछले गुमराह लोगों से क्या मुशाबत है दो तरह से एक दुनिया में उन्होंने अपने लिखे हुए तकदीर में लिखे हुए हिस्से का फायदा उठाया तो तुमने भी उन्हीं की तरह अपने नसीब से फ़ायदा उठाया उन्होंने अंबिया का मजाक उड़ाया तो तुमने भी यही काम किया अब आखिरत में उनके अमाल भी जाया हुए खाब खास, खासर हुए तो अब तुम्हारे भी ऐसे ही होंगे तोबा कर लो तो और बात है क्या इन मुनाफिकों को उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो इनसे पहले आए थे नूह और आद और समूद और कौम इब्राहिम और मदियन वालों की और उन बस्तियों की जो उल्टा दी गई थी और उन बस्तियों की जो उल्टा दी गई उनके रसूल उनके पास खुली निशानियां लेकर आए थे फिर अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला न था लेकिन वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म किया करते थे वलमुमिन बाद और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार हैं वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं उन और वो नमाज कायम करते हैं और जक़ात अदा करते हैं और वो अल्लाह और उसके रसूल की इतात करते हैं यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह जरूर रहम फरमाएगा बेशक अल्लाह बहुत जबरदस्त खूब हमत वाला है मुनाफिक के बाद अहले ईमान के अच्छे औसाफ का जिक्र किया जा रहा है उनकी अच्छी आते क्या है कि वो सब एक दूसरे के औलिया यानी दोस्त मोहब्बत करने वाले मदद करने वाले हैं एक दूसरे के काम आने वाले हैं ये मोमिन की तारीफ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से कोई शख्स साहेब ईमान हो नहीं सकता हती कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए करता हो ये क्राइटेरिया दे दिया गया एक और हदीस में आता है मोमिनों की मिसाल आपस की मोहब्बत एक दूसरे पर रहम और शफक़त में एक जिसम की तरह है जिसके अगर एक उज को तकलीफ पहुंचती है तो बकिया सारे आजा बुखार और बेचैनी की सूरत में उसका साथ देते हैं एक और अदीस में सब मोमिनों को एक इमारत की तरह करार दिया गया जिसकी हर इंट दूसरी ईट को तकबीयत देती है सहारा देती है

और हमेशगी के बागात में पाकिजा घरों का वादा भी है और अल्लाह की तरफ से रजामंदी सबसे बड़ी चीज है यही तो अजीम शान कामयाबी है नबी को कुफार और मुनाफिकीन से जिहाद कीजिए और इन पर सख्ती कीजिए और इनका ठिकाना जहन्नम है और वो लौट कर जाने की बहुत बुरी जगह है असल में मुनाफिकीन के साथ अब तक बहुत उसने सलूक हो रहा था लेकिन इससे उनकी सरकशी में ही इजाफा हुआ नबी वसल्लम मदीना आने पर तवील मुद्दत तक उनसे नरमी बरतते रहे उनकी साजिशों को इग्नोर करते रहे लेकिन इस हुन सलूक की वजह से उनकी सरकशी और बढ़ गई कि कोई नुकसान नहीं कुछ नहीं होता कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि अगर आप उनके साथ नरमी करें तो और सर चढ़ जाते हैं लेकिन कुछ लोग होते हैं कि आप नरमी करें तो आपके दोस्त बन जाते हैं तो आखिर में अब मुनाफिकीन पर सख्ती करने का हुक्म दिया गया सूरत तौबा कुरान मजीद की आखिर में नाजिल होने वाली सूरतों में से है और आखिरी हुक्म क्या है कि अब नरमी और दरगुजर की बजाय इन पर सख्ती की जाए आप अब तक जो नरमी और चशम पोशी से काम ले रहे थे अब इनकी सख्ती पर इनके कसूर पर इनको पकड़ा जाए ये लोग अल्लाह की कस्में खाते हैं कि इन्होंने वो बात नहीं कही हालांकि यकीनी तौर पर इन्होंने कलमाई कुफिर कहा था और इन्होंने अपने इस्लाम लाने के बाद कुफर इख्तियार किया और इस काम का इरादा किया जो ये पूरा ना कर सके और उन्होंने और इन्होंने सिर्फ इस बात का इंतकाम लिया कि अल्लाह और उसके रसूल ने इन्हें अपने फजल से अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फ़जल से इन्हें गनी कर दिया है फिर अगर ये तोबा कर लें तो ये इनके हक के लिए फिर अगर ये तोबा कर लें तो ये इनके हक में बेहतर होगा और अगर ये मुंह मोड़ते हैं तो अल्लाह है इन्हें दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब देगा और इनके लिए जमीन में ना कोई दोस्त होगा और ना कोई मददगार मुनाफिकीन अपने निजी मजलिसों में कुफरिया बातें करते थे लेकिन जब पर्दा चाक हो जाता रास फाश हो जाता तो आकर झूठी कसम में खा के मुकर जाते थे और जब गवाहियों से बात साबित हो जाती कि नहीं वाकई इन्होंने गलत बात कही है तो बहाना बना लेते कि हम तो ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे जस्ट किडिंग लाफिंग हैं यानी कि हम तो मजाक कर रहे थे और आप सीरियस हो गए ये बात आमतौर पे लोग करते हैं ना जब आपके मजाक को माइंड करें कहते कि तो तुम तो ऐसे ही सीरियस हो जाते हो और फिर ये कि कस्में खाने लगते कस्मों को ढाल बना लेते तो ये उनका तर्ज अमल था और इनमें से बाज वो हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर वो हमें अपने फजल से कुछ अता करेगा तो हम जरूर सदका करेंगे और हम जरूर नेक लोगों में से हो जाएंगे जी हम में से भी बहुत से लोग ये करते हैं ना कि अगर हमारे पास इतना माल आ जाए तो फिर हम इतना तो ज़रूरी अल्लाह के रास्ते में दे देंगे और जब वो माल आ जाता है तो फिर फिर हम सोच में पड़ जाते हैं फिर हम उसमें कम कर देते हैं या खत्म ही कर देते हैं अपने प्रोग्राम को आता हूँ पलम्मा आता हूँ बखिलू भी वह तो मोरिदून फिर जब अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से नवाज दिया तो ये उसके साथ बुखल करने लगे और वो मोड़ गए और ये थे ही एराज करने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने से पहले मदीना आने से पहले मदीना वालों का हाल कुछ अच्छा नहीं था मदीना उन दोनों यसरब कहलाता था इसकी कोई हैसियत नहीं थी लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो ये शहर पूरे अरब का मरकज़ बन गया सेंट्रल प्लेस और इनकी तजारत का दायरा भी वसी हो गया और जंगों की वजह से माल गनीमत भी बहुत आया जिसकी वजह से ये लोग मालदार हो गए तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ये इतने एहसान फरामोश हैं कि अल्लाह और रसूल जिनकी बदौलत इन्हें ये खुशहाली नसीब हुई उन्हीं के ख़िलाफ़ बिगड़ कर ये अपने दिलों का फसाद जाहिर कर रहे हैं इन्होंने तो अल्लाह से अहद किया था कि अगर तूने हमें अपने फ़जल से अता किया तो हम सदका भी ज़रूर करेंगे और नेक भी बन जाएंगे लेकिन अब अल्लाह ताला का फज़ल हो गया उसने माल और दौलत से नवाज दिया तो इन्होंने उस माल को अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन को तरक्की देने के लिए खर्च करने के बजाय बुखल कर लिया और अल्लाह और उसके रसूल से ही मुंह मोड़ लिया इसके नतीजे में अल्लाह ने फिर के दिन तक इनके अंदर निफाक डाल दिया तो पी इला तो ने इनके दिलों में निफाक जमा कर इन्हें उस दिन तक सजा दी जब वो सजा दे दी जब वो उससे मुलाकात करेंगे क्योंकि इन्होंने उस वादे की खिलाफ वर्जी की जो इन्होंने अल्लाह से किया था और इसलिए भी कि यह झूठ बोलते थे क्या ये जानते नहीं क्या ये नहीं जानते कि बेशक अल्लाह इनके राजों और इनकी सरगोशियों को जानता है और ये कि अल्लाह तमाम गैबों को खूब जानने वाला है अल्लाह है अगर ये यकीन हो जाए ना इंसान को कि अल्लाह ताला मेरे दिल के हाल को भी जानता है तो इंसान सबसे पहले तो उसे साफ करने की फिक्र करे आप देखिए अगर कोई गेस्ट आ रहा हो आपके घर में और आपका सब कुछ बिखरा पड़ा हो तो आप क्या करते हैं क्यों क्यों सफाई करते हैं पड़ा रहे क्या हो जाएगा इमेज खराब हो जाएगा ना इसलिए जल्दी जल्दी हर हाँ चीज़ टिकाने कर देते साफ सुथरा कर देते हैं वो तो इंसान है जो आ रहे हैं वो अगर इमेज खराब भी ले जाए तो आपका क्या बिगड़ेगा लेकिन यहाँ तो अल्लाह है जो हमारे दिलों को देखता है अल्लाह देखता है तो अगर हम इसको साफ नहीं करेंगे तो जो चीज अल्लाह देखता है उसको साफ करने की फिक्र नहीं और जो लोग देखते हैं उनको बस खूब साफ कर रहे हैं लोगों की खातिर जीते हैं ना अल्लाह की खातिर नहीं वो लोग जो खुशदिली से सदक़ात देने वाले अहले ईमान पर ताना जनी करते हैं और उन लोगों पर भी जो अपनी मेहनत के सिवा कुछ नहीं पाते तो ये उनका मजाक उड़ाते हैं अल्लाह है इनका मजाक उड़ाता है और इनके लिए दर्दनाक अजाब है जो है, ये वो लोग हैं जो फर्ज जक़ात के अलावा मजीद माल खुश दिली से खर्च करते हैं ये है मुतबीन तोन वकर्न होता है ना तो दिल की खुशी से खर्च करना और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन जो करना चाहते हैं लेकिन उनके पास होता कुछ नहीं सिवाय अपनी मेहनत के कमाए हुए के क्योंकि इल्ला जोहद हम यानी जोहद कमाना मेहनत और मशक्कत है यानी वो लोग जो मालदार नहीं लेकिन मेहनत मशक्कत करके कमाया हुआ थोड़ा माल भी खर्च करते हैं तो गजब तबूक में खर्च करने वालों के बारे में फिर क्या हुआ मुनाफिकीन ने बातें की क्योंकि उन्होंने कुछ मुसलमानों ने बहुत थोड़ा खर्च किया था जो मुखलिस मुसलमान लेकर आते अगर ज्यादा लाता तो कहता रही रियाकारी कर रहा है दिखावे के लिए लाया कम लाते तो कहता अल्लाह को इसकी क्या जरूरत है इसके बगैर भी अल्लाह का काम चल जाएगा दोनों सूरतों मजाक उड़ाते किसी से भी राजी नहीं थे यही मौका था कि जब हजरत उमर अपने घर का निस्त सामान तो बकर सारा सामान लेकर आए ऐसे लोगों के साथ फिर मामला क्या हो इस तख फिर लहुम अवला तस्त फिर लहुम आप इनके लिए बख्शिश मांगे या ना मांगे अगर आप इनके लिए सत्तर बार भी बख्शिश मांगेंगे तो भी अल्लाह इन्हें हरगिज माफ नहीं करेगा ये इसलिए कि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया और अल्लाह लोगों को और अल्लाह फासक लोगों को हिदायत नहीं देता तो अल्लाह के रसूल से पीछे रहने वाले मुनाफिक अपने बैठे रहने पर खुश हो गए فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا وكرهوا ان يجاهدوا بأموالهم وانفسهم وكرهوا ان يجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم اشد حرا حر لو كانوا يفقهون अल्लाह के रसूल से पीछे रहने वाले मुनाफिक अपने बैठे रहने पर खुश हो गए और उन्होंने नापसंद किया कि वो अल्लाह के रास्ते में अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद करें और कहने लगे गर्मी में मत निकलो कह दीजिए जहन्नम की आग कहीं ज्यादा गर्म है काश ये समझते होते यानी मौसम को बहाना नहीं बनाना चाहिए आज बहुत सर्दी थी आज स्नो थी आज गर्मी थी आज नहीं जो काम करना है वो तो करना ही है तो ये उन मुनाफिन का हाल है जिक्र है जो गज्वे तबूक में शामिल नहीं हुए थे तो इसलिए यहाँ उनके लिए मुखल्लफ़ून का लफ्स इस्तेमाल किया गया है यानी पीछे छोड़ दिए गए अल्लाह ने ही तो फीक नहीं दी यानी वो खुश ना हो पीछे रह के अल्लाह ही नहीं चाहता कि तुम निकलो जो बेकार चीज होती है उसको फेंक दिया जाता है

टूब हो जाए तो भी कंट्रोल करने की कोशिश करें क्योंकि बहुत ज्यादा हंसना बेकार लोगों का काम है गाफिल लोगों का काम है और ज्यादा हंसना दिलों को मुर्दा कर देता है रसूल वसल्लम ने फरमाया लातु फिर लातुक सिर उद्दाह पर इन कसरत दह की तुम ही तुल ज्यादा मत मत हंसा करो क्योंकि ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है फिर अगर, अगर अल्लाह आपको इन मुनाफिक लौटा लाए फिर ये आपसे जंग के लिए निकलने की इजाज़त तलब करें आइंदा तो साफ कह दीजिए कि तुम मेरे साथ हरगिज नहीं निकलोगे और तुम हरगिज मेरे साथ मिलकर दुश्मन से जंग नहीं करोगे क्योंकि तुम पहली बार बैठ रहने पर राजी हो गए थे तो अब भी पीछे रहने वालों के साथ बैठे रहो निकी का मौका आए और इंसान उस पर कादिर होते हुए भी उसको ना करे तो फिर आइंदा से तौफीक छिन जाती है क्योंकि नेकी की तौफीक मिलने का शुक्र अदा करना चाहिए कोई नेकी हो ना तो उस पर शुक्र अदा करना चाहिए और दिल से करना चाहिए कि अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया मुझे तौफीक दी मेरे दिल में ख्याल डाला मुझे हिम्मत दी मुझे रिसोर्सेज दिए मुझे जिसम जान की तोनाई है ताकि कि मैं ये काम कर सकूं तो इस पर अल्लाह की शुक्रगुजार हूं ना के करके एहसान जताना शुरू कर दे इंसान और उस उसने को जाया कर दे तो इन लोगों का हाल यही था अब इन्हें इन्होंने चूंकि पहले इनकार कर दिया साथ जाने से लिहाजा आइंदा के लिए इनका रास्ता बंद कर दिया गया अब तुम नहीं जा सकते तो इससे पता चलता है कि इंसान के अमाल के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वला तो सल अलाद बिन हम अबदा और इनमें से कोई मर जाए तो आप कभी भी उसका जनाजा ना पढ़े और ना ही उसकी कबर पर खड़े हों क्योंकि इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया और वो इस हाल में मरे कि वो नाफ़रमान थे अब्दुल्ला बिन उबई जो मुनाफिकीन का सरदार था जब फौत हुआ तो उसका बेटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कहने लगा कि मुझे अपनी कमीज़ दे दीजिए कि मैं उसे कफन दूं आप उस पर जनाज़ा भी पढ़ दें उसके लिए बख्शिश की दुआ कर दें सारा बाप था तो नबी सल आसम ने अपनी कमीज़ दी और फरमाया कि मुझे इतला देना मैं उसका जनाजा पढ़ दूंगा जब आपने जनाजा पढ़ने का इरादा किया तो उमर ने आपको खींच लिया और कहा अल्लाह ने आपको मुनाफिकीन का जनाजा पढ़ने से मना नहीं फरमाया आपने फरमाया नहीं मुझे दो में से एक इख्तियार है इसख फिर लाऊँ मौलाद अस्त फिर तो आप इनके लिए इसतबार करें चाहे नहीं तो मैं इनका इनके लिए यानी कि मैं दूसरी ऑप्शन ले रहा हूँ तो मैं इस्तार करूँगा सो so, आपने उसका जनाजा पढ़ा तो ये आयत तो उतरी कि आज के बाद किसी मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ना इसीलिए हजरत उमर क्योंकि हजरत हुजैफा को नबी सल्लाम ने मुनाफिक के नाम बता दिए थे तो वो हजरत हजरत उमर जो थे वो हजरत हुजैफा को देखते थे कि जिस जनाजे में नहीं है वो भी उसमें से निकल जाते थे उनको पता है कि मुनाफिक है या नहीं क्योंकि मुनाफिक के लिए जितनी मर्जी इस्ते की जाए तोबा की दुआएँ की जाए फायदा नहीं देती जो शख्स खुद अपनी जिंदगी में नमाज ना पढ़े तो बाद के लोग उसके लिए सद का खैरात करें कि उसकी नमाजों का कफार है तो वो कैसे काम देगा वाला तो अजब का अम्बाल हम औलाद हम और उनके माल और औलाद आपको ताजुब में न डालें बेशक अल्लाह चाहता है कि वो इन्हें इन के जरिए दुनिया में भी अजाब दे और इनकी जान इस हाल में निकले कि ये काफिर हों यानी माल और औलाद दुनिया की जिंदगी की रौनक है जीनत है लेकिन कुछ लोगों के लिए वबाल जान बन जाते हैं तो अगर माल और औलाद इंसान की के लिए तकलीफ का बायस है तो इस्तार की कसरत कर दें आयत करीमा ज्यादा पढ़ें कि हो सकता है मेरी किसी कमजोरी की कम कोताही और गुनाह की वजह से ये चीज़ मेरे सामने आ रही है तो अल्लाह अल्लाबहान त आपकी इस्तार की वजह से इन मुश्किल आसान कर देंगे इस्तार का मतलब यह है कि जो गुनाह हम जानते हैं और जो नहीं जानते अल्लाह तो सबको माफ कर दे और जब कोई सूरत उतारी जाती है कि अल्लाह पर ईमान ला और उसके रसूल के साथ मिलकर जिहाद करो तो इनमें से साहब इस्तेतात आपसे इजाजत मांगने लगते हैं और कहते हैं हमें छोड़ दीजिए कि हम बैठने वालों के साथ ही रहे वो पीछे रहने वालियों के साथ बैठने पर राजी हो गए वो पीछे रहने वालियों के साथ बैठ रहने पर राजी हो गए और उनके दिलों पर उनके निफाक की वजह से मोहर लगा दी गई लिहाजा वो कुछ कुछ नहीं समझ पाते लेकिन लेकिन रसूल और जो लोग उस पर ईमान लाए उन्होंने अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद किया और ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए सारी भलाइयां हैं और यही हैं वो लोग और यही लोग फलाह पाने वाले हैं और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं वो उहा के बरक्स अहले ईमान का हाल बताया जा रहा है कि रसूल अल्लाह सल्लाम और अहले ईमान का हाल मुनाफिकन की तरह नहीं है न उन जैसी बुजदली है न जिहाद से गुरेज है न माल और जान की कुर्बानी में कोई बुखल है न अल्लाह और उसके रसूल से कुफर है न ना उसकी नाफरमानी करते हैं और बल्कि वो अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए अपने मालों और जानों से जिहाद करके अपनी आखिरी कोशिश लगा देते हैं और हर हाल में इताद करने वाले हैं उन्ही के लिए तमाम भलाइयाँ हैं यानी दुनिया के फतवाहा और गनायम आखरत के सबसे बुलंद दर्जे हैं सॉरी दुनिया की फतवाहा और गनायम और आखरत के सबसे बुलंद दर्जे उनके लिए है लेकिन रसूल और जो लोग उस पर ईमान लाए उन्होंने अपने मालों और अपनी जानों के साथ जिहाद किया और ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए सारी हैं, और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं यानी मुनाफिकीन के बरक ईमान का हाल क्या है कि वो बुज़दिली नहीं करते जिहाद से गुरेज नहीं करते जानो माल की कुर्बानी में बुखल नहीं करते अल्लाह और उसके रसूल से कुफर या नाफरमानी नहीं करते वो अल्लाह का कलिमा बुलंद करने के लिए अपने मालों और जानों से जिहाद करके अपनी आखिरी कोशिश भी लगा देते हैं हर हाल में इतात करते हैं इन्हीं के लिए तमाम भलाइयाँ हैं दुनिया में भी फतुहात और गनाइम और आखरत के सबसे बुलंद दर्जे आदल्लाहुलहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार ने उनके लिए ऐसे बाग तैयार किए हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं वो उनमें हमेशा रहने वाले हैं यही कामयाबी है और बदवियों में से भी उजर तराशने वाले आ गए कि उन्हें भी इजाजत दे दी जाए और वो लोग जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल से झूठ बोला था बैठे रहे और उनमें से जिन लोगों ने कुफर किया दर्दनाक अजा पहुंचेगा यहाँ मदीना के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का हाल बयान किया जा रहा है। पहले मदीना के अंदर रहने वाले मुनाफिकों का हाल था अभी बाहर रहने वालों का। इन में भी दोनों किस्म रसूलहीसन सबील वफूरम कमजोर लोगों और बीमारों पर और उन लोगों पर जो खर्च करने की कोई चीज नहीं पाते पीछे रहने में कोई हरज नहीं जबकि वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए खैर खाही करें नेकी करने वालों पर कोई मुआवजा नहीं और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बहुत रहम करने वाला है अनस रज कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गजबे पर थे गजबे तबू की था आपने फरमाया कुछ लोग मदीना में हमारे पीछे रह गए हैं लेकिन हम किसी भी घाटी या वादी में चले वो सवाब में हमारे साथ हैं उनको सिर्फ उज़र ने रोक रखा वरना उनकी नीयत थी पूरी पूरी आने की इससे पता चलता है कि अखलासी नीयत का भी फायदा होता है अज़र में इंसान बराबर का शरीक हो जाता है। रसूल सल्लम ने फरमाया जो शख्स हज के इरादे से निकले और उसे रास्ते में मौत आ जाए तो अल्लाह उसके लिए क्यामत के दिन तक हज करने का सवाब लिख देता है और जो उम्र के इरादे से निकले

कि उनकी आंखें रन जो गम की वजह से आंसू बहा रही थी कि वो कुछ नहीं पाते जो वो खर्च कर सकें यहाँ कुछ मुखलिस मुसलमानों के एक ग्रोह का जिक्र है जिनके पास अपनी सवारियाँ नहीं थी वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सवारियाँ लेने के लिए आए थे तो आपने फरमाया मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं इस पर उन्हें इतना सदमा हुआ कि वो रोने लग गए मर्द कम ही रोते लेकिन वो अल्लाह के रास्ते में निकलना चाह रहे थे और नहीं निकल पाए तो रोने लगे ऐसे रोए गोया आंखें पानी के चश्मे बन गई हो जिससे आंसों की नालियां रवा हो गई हो और वो कहते थे कि हमारे पास कुछ भी खर्च करने के लिए नहीं कि हम जहाद में शरीक हो सके तो अल्लाह ताला ने उन्हें भी गुनाह से बरी करार दिया क्योंकि वो साथ नहीं जा सके थे अल्लाह ला या बेशक इल्जाम तो उन लोगों पर है जो आपसे इजाज़त तलब करते हैं हालांकि ये दौलतमंद है ये उस पर राजी हो गए कि वो पीछे रहने वालियों के साथ हो जाएं और अल्लाह ने इनके दिलों पर मुहर लगा दी बस वो जानते ही नहीं आलमीन कल चूंकि जुमा है मस्जिद जल्दी खाली करनी होती है

الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم आज़ुबिल्ल मिन सई तरिम्स वरह वक्त हमने जज़ टेन को मुकम्मल किया और यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट एक तिहाई क़ुरान मुकम्मल हो गया अल्लाम मुबारक अच्छा ये बताइए कि कौन कौन सी सिस्टर्स ऐसी हैं जिन्होंने पूरे दस जुज जो हैं कोई ब्रेक नहीं ली और सब के सब पूरे सुने आप चलिए अलहमदुल्ल बारकुम आज जो स्टैंड में हमने कौन से सूर की हैं ये बताइए शाबाश दो सूरह उनमें से जो पहली है वो अल-अनफाल वो हमने मुकम्मल की और सूर्य तोबा का आगाज हुआ और सूर्य तोबा जो है वो इंशाल्लाह कल कंप्लीट होगी तो चलें ऐसे करते हैं कि अनफाल में से कुछ चीजों को देखते हैं आगे बढ़ते हैं, कुछ अहम पॉइंट्स देख लेते हैं मिलकर सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि सब कामों का अंजाम अल्लाह के पास है ये अल अनफाल की आयत नंबर फोर्टी फोर है वाह तुरजाउल उमूर देखिए आगे कि सारे मामला अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सब कुदरत और ताकत अल्लाह के हाथ में है अब एक केस स्टडी देख लेते जिस लैपटॉप से दोहरा कुरान की क्लास ले रही थी वो गिरकर टूट गया उसे डर है कि उसके शोहर बहुत नाराज होंगे और नए लैपटॉप का इंतजाम भी जल्द मुमकिन नजर नहीं आ रहा अब वो क्या करे आप हेल्प करेंगे सुरैया की क्या करे शाबाश फीकुम आयत की रूह से क्या करे सबसे पहले तो अल्लाह से रुजू करे क्यों क्योंकि सारे कामों का अंजाम जो है वो अल्लाह के पास है यानी कि कुदरत ताकत अल्लाह के हाथ में है और जिंदगी में जब भी मुश्किल वक्त आए तो क्या करे इंसान अल्लाह को पुकारे उससे मदद मांगे उसकी तरफ रुजू करे हो सकता है कि उसके हस्बैंड उसको नया लैपटॉप ले दे ये भी हो सकता है कि अल्लाह सुबहान वाली किसी और तरीके से उसकी मदद कर दें उसकी कोई फ्रेंड जो है वो उसको कुछ अरसे के लिए अपना लैपटॉप दे दे बहुत सी चीज़ें हो सकती है ना लेकिन पहली चीज़ क्या है कि अल्लाह को इंसान पुकारे अल्लाह की तरफ रुझू करे क्योंकि साहबा कराम जो थे उनके बारे में क्या आता है कि अगर कोई जूते का तस्मा भी उनका टूट जाता तो वो अल्लाह सुबहान तला को पुकारते थे चले आगे देख लेते हैं अब मजीद अल अनफाल फोर्टी फाइव है कि साबित कदमी और अल्लाह का कसरत से जिक्र फसबुतु वस्कुर लाअल्लकुम तुफ्लिहून साबित कदम रहो और अल्लाह को कसरत से याद करो तो वक्त है कि तुम्हें कामयाबी नसीब हो चलिए अब आगे देख लेते हैं केस स्टडी मेमुना ने हिफ्स क्लास में रजिस्टर किया और पक्की नियत की कि वो इस मरतबा हिफ्स मुकम्मल करेगी अभी चंद ही क्लासें ली थी तो उसे एहसास हुआ कि घर के कामों और छह माँ की बच्ची के साथ हिफ्स करना आसान नहीं उसको खुशहर की तरफ से भी सपोर्ट नहीं है अब वो क्या करे जी एडवाइस करे क्या करना चाहिए उसको आयत से क्या पता चलता है हिम्मत नहीं हारनी जी आयत से पता चलता है कि साबित कदमी बहुत जरूरी है जिंदगी में कोई भी काम जब इंसान जम कर करता है ना तो उसे कामयाबी हासिल हो ही जाती है चाहे वो दीन का मामला हो या वो दुनिया का मामला हो क्योंकि हर चीज जो है वो अल्लाह सुबहन वाल के की तौफीक से है तो जब इंसान किसी काम को करने का इरादा करता है तो फिर सरा सदर के साथ उसे करे अल्लाह से दुआ मांगे इस्तारा कर ले जैसे क़ुरान में है ना कि फ़ाइज़ा आज़म था फतल अल्लाह कि जब आज़म कर लो पुख्त पुख्ता इरादा कर लो तो फिर क्या करो अल्लाह पे तवक्ल करो कोई मुश्किल आए चैलेंजेस आए, तो घबराओ नहीं और एक और काम करना है एक तो साबित करनी दिखानी है और एक चीज़ का कहा गया, गया कि बहुत किया जाए वो वो क्या काम है शाबाश कसरत से अल्लाह का जिक्र अल्लाह की याद यानी कि इंसान अपनी पूरी हिम्मत लगा दे और अल्लाह को सिर्फ याद नहीं करना बल्कि बहुत ज़्यादा याद करना है और उसमें फिर आप ये भी देखें कि कामयाबी के जो दो नुकात हमने सीखे हैं ना वो क्या है साबित कदमी और अल्लाह का खूब जिक्र करना और फिर ये जो दुआ दुआ की कलेमत हैं या या कहू महमती कावीज इन कलेम के जरिए से अल्लाह की मदद तलब करना इनको फरियादी कलेम कहा जाता है और जब इंसान इन कलेम के जरिए अल्लाह से मदद मांगता है तो और कोई दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल होती है अल्हम्दुलिल्लाह तो हमें क्या करने की जरूरत है अल्लाह से फिर वही बात के करने की जरूरत है चलें अब आगे देखते हैं एक और केस स्टडी भी देख लेते हैं जो नेक्स्ट हमारी आयत है वो क्या है कि कामयाबी के लिए करने के चार काम अलफाल आयत नंबर फोर्टी सिक्स व रसुल कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो आपस में झगड़ो मत वरना तुम्हारे अंदर कमजोरी पैदा हो जाएगी और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, सबर से काम लो यकीनन अल्लाह सबर करने वालों के साथ है तो इन माबरीन ये ना बहुत तसल्ली देता तो केसरी देखते हैं सुमैया और जुनैरा के बारे में है कि ये लोग स्कूल प्रोजेक्ट मिलकर कर रही थी बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रही थी जबकि जुनैरा का रवैया बड़ा ही कैजुअल था और वो ज्यादा फोकस्ड भी नहीं थी जब प्रोजेक्ट सबमिट कराने का वक्त आया तो जुनैरा ने सुमैया से पहले प्रोजेक्ट ई कर दिया और सारा क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की सुमैया हैरान रह गई लेकिन उसने जुनैरा को कुछ नहीं कहा जी आपका क्या ख्याल सुमैया ने सही किया या नहीं उसे क्या को फिक्स करना चाहिए था ठीक किया शाबाश बारक हमने क्या सीखा कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इतात करो यानी कि आपस में झगड़ो मत और जब कोई टीम वर्क हो रहा हो एज अ टीम काम कर रहे हो तो फिर दिल जो है ना वो आपस में जुड़े होने चाहिए क्योंकि जब इंसान आपस में यानी कि दिल साफ नहीं होते तो फिर कोई काम जो है वो अपनी तकमील को नहीं पहुंच सकता तो एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए तो हमने सीखा कि सब्र से काम ले क्यों क्योंकि अल्लाह सबर करने वालों के साथ है और ये कितनी खूबसूरत खुशखबरी भी है तसल्ली और दिलासा भी है कि अगर कोई हमारे साथ कोई ऐसी ज्यादा कर जाता है तो अल्लाह है ना अल्लाह हमारे साथ है हमारे सब्र की वजह से और जब आप देखें कि इस तरह से चीज़ों में गुस्सा भी आता है फिर ताबन भी ख़त्म हो जाता है तो झगड़ों से बचें आपस में इतफाक़ के साथ रहें और ये चीज जहन में रखें कि शैतान तो चाहता ही क्या है कि आपस में फसाद हो। तो सुमैया जो थी उन्हें बहुत ही हिकमत से काम लिया अल्लाह मुबारक चलिए और एक जो खुशखबरी हमें मिलती है ना वो ये भी है कि जो शख्स हक पर होते हुए भी झगड़े को छोड़ता है तो उसके लिए किस चीज़ का वादा है आप बताइए किस चीज़ का वादा है उस शख्स के लिए जो कि झगड़े में होते हुए भी छोड़ देता है जन्नत के अतराफ में घर का वादा है अल्हम्दुलिल्लाह तो अब काम करने के क्या है कि अल्लाह और रसूल की इताद की जाए आपस में झगड़ा ना किया जाए और सब्र से काम लिया जाए चलें आगे बढ़ते हैं इतराना और फख्र करना ये अलफाल 47 सेवन है वाला तक कलजीन खराजू मिंदारी बतर वाली आनास उन लोगों के रंग ढंग ना अख्तियार करो जो अपने घरों से इतराते और लोगों को अपनी शान दिखाते हुए निकलते हैं यहाँ पे हम एक केस स्टडी करते हैं आलिया और साजिद अपने बेटे की बारात बड़ी धूमधाम से लेकर निकले बारातियों की बड़ी तादाद के साथ ढोल बजाने वाले और भंगड़ा डालने वाले भी थे और बड़ी शान से लड़के वाले लड़की के घर पहुंच गए इस तरह खुशी मनाना दुरुस्त क्यों दुरुस्त नहीं है उनका बेटा है उसकी शादी है खुशी का मौका है शाबाश क्योंकि यहाँ पे आप देखें ना जो वर्ड आया है वो क्या है बतर और बतर कहते हैं इतराना और फख्र करना और नेमतों पर अपनी कुवतों का इजहार करना यानी यह समझना कि ये नेमतें जो हैं ये तो मुझे मेरी मेहनत से मिली हैं या मैं तो यानी कि मैं इनकी वारिस हूं तो अब हमें कुरान से क्या पता चलता है कि अल्लाह को क्या चीज़ पसंद नहीं है कि लोग जो है वो शहरत के ताले हों लोग जो है वो क्या चाहे रियाकारी करें और गलत कामों के ऊपर इतराए अगर अल्लाह ने कोई नेमत दी है तो क्या करना चाहिए उस नेमत की शुक्रगुजारी क्या होगी अगर इनके बच्चे की शादी थी तो किस तरह जाना चाहिए था ये बताएं आप अगर ये तरीका दुरुस्त नहीं था तो कौन सा तरीका दुरुस्त है फिर जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए क्योंकि जब इंसान नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो नेमतें बरकरार रहती हैं तो इंसान को अल्लाह का शुक्र गुजार और इताद गुजार रहना चाहिए चलिए आगे देख लेते हैं सूर्य की आयत नंबर फिफ्टी थ्री है इसमें भी शुक्र गुजारी और एताद गुजारी का मैसेज मिल रहा है यहाँ पर जो आयत है अल्लाह की इस सुनत के मुताबिक हुआ कि वो किसी नेमत को जो उसने किसी कौम को अता की हो उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि वो कौम खुद अपने तर्ज अमल को नहीं बदल देती रानिया की गाड़ी पुरानी थी मगर उसे बग़ैर दुशारी हर जगह पहुंचा देती थी वो अपनी दोस्तों की गाड़ियां देखकर अक्सर अपने शोहर से नई गाड़ी का मुतालबा करती और मुतालबा ना पूरा होने पर अपनी किस्मत को बुरा कहती एक रोज़ जब वो बाजार जा रही थी तो उसकी गाड़ी को बुरी तरह हादसा पेश आया उसकी जान तो बच गई मगर गाड़ी को बहुत नुकसान हुआ और वो चलाने के काबिल ना रही क्या आपको रानिया से हमदर्दी है इतना नुकसान हुआ उसका क्यों क्यों <laughs> नहीं कर रहे आप हमदर्दी उसके साथ जी क्योंकि उसका जो रवैया था वो दुरुस्त नहीं था अल्लाह ने उसको एक नेमत दी थी और वो नेमत जो थी बेहतरीन तरीके से उसको यानी कि उसकी जो नीड थी उसको पूरा कर रही थी लेकिन दूसरों की नेमतों को देख कर वो कुड़ना जलना शुरू हो गई घर में झगड़ा भी कर रही थी और फिर सबसे बड़ी बात यह कि अपनी किस्मत को बुरा भला कह रही थी ना यानी कि तकदीर के फैसले पर राजी नहीं थी अल्लाह के साथ राजी नहीं थी तो जब इंसान नेमतों की नाशुक्री करता है तो फिर अल्लाह के दिए हुए इनाम जो है ना वो उससे छिन जाते हैं अल्लाह उसको मुशक्क़तों में डाल देता है तो हमें क्या करना चाहिए अल्लाह से दुनिया और आखिरत में खैर का बास बनने वाली नियमतों का सवाल करना चाहिए और हमें तो कहा भी गया ना कि दीन के मामले में क्या करो उन लोगों को देखो जो तुमसे ऊपर हैं ताकि तुम उनको यानी कि फॉलो करो और दुनिया के मामले में उन लोगों को देखो जो तुमसे नीचे हैं ताकि उनको देख कर पैदा हो लेकिन शैतान क्या करवाता है शैतान दुनिया के मामले में हमें दिखवाता है उन लोगों को जो हमसे ज्यादा होते हैं कि उनको देख देख कर कुड़ो और नाशुक्र बन जाओ और जिनके मामले में बड़ा मुतमिन कर देता है उन लोगों को दिखाता है जो हमसे कम है हम कहते हैं भाई हम तो ये भी कर रहे हैं हम तो वो भी कर रहे हैं हम तो बहुत अच्छे हैं इनको देखो ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो उल्टा कर देता है शैतान तो हमने उन लोगों में नहीं होना तो क्या चाहिए फिर नियमतों का सही इस्तेमाल करें नेमत इस्तेमाल करके शुक्र गुजार बंदे बने अल्लाह के और अल्लाह से मजीद नेमतें जो हैं उनको तलब करें चलिए अब हम ऐसे करते हैं कि ये दुआ मांगते हैं सब मिलकर अल्लाह से अल्लाह का फजल मांगते हैं और ये दुआ तब भी मांगे जब किसी के पास कोई नेमत देखें और आपका दिल चाहे कि आपके पास भी ने वो नियमत हो तो उस वक़्त हसद करने या जलने कुटने के बजाय इंसान क्या कहे सोचे कि जिस रफ ने इसको ये नमत दी है वो कादिर है गैप के सारे खजाने कि कुजिया उसके हाथ में है वो मुझे भी दे सकता है अल्लाहुम्मा अलू का, का व तेरे फजल और रहमत का सवाल करती हूँ सबने मांगी ये दुआ आमीन चलिए अब हम देख लेते हैं एक हदीस से पता चलता है हमें कि यकीनन अल्लाह के बंदों में से क्यामत के दिन अफजल वो होंगे जो अल्लाह ताला की नेमतों की तारीफ करने वाले होंगे अल्लाह को पसंद है ये बात कि अल्लाह ने जो हमें नियमतें दी हैं हम अल्लाह का शुक्र अदा करें उसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कहें अल्लाह की तारीफ क्या है अल्हम्दुलिल्लाह और एक हदीस जिसका मफह ये है कि जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वो नेमत जिसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है उससे भारी होता है जो जो कलमा किसी के पास अगर गाड़ी है और वो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो गाड़ी कितनी गिने के बड़ी नेमत है लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह कलमा जो है वो उस पर भारी हो जाता है सुभान अल्लाह अब हम ऐसे देखते हैं कुछ अमली पॉइंट्स देखते हैं कि आज हम टेक होम लेसन क्या लेकर जाएंगे वो क्या तीन पॉइंट्स हैं जो हमें कल तक हमारे जहन में रहेंगे इंशाल्लाह और हम उनको प्रैक्टिस भी करेंगे और आगे भी मजीद अपनी जिंदगी में उनको लेकर आएंगे तो उनमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है जी प्लीज स्लाइड दिखाइएगा कसरत से अल्लाह का जिक्र हमने आज यही सीखा है ना कि साबित कदमी और फिर कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करें और जिक्र की बहुत सी तरीके हो सकते हैं कुछ कलिमात बता सकते हैं आप जैसे अल्लाह है इल्ला है, बिल्लाह है और क्या है या कय्यूम दुरूद शरीफ है अलहमद यानी कि बहुत से कलिमात हैं अल्लाह अकबर अल्हमदल्ला सुबहान अल्लाह जी ये सब नमाज भी तरीका है कुरान भी तरीका ये सब अल्लाह का जिक्र है लेकिन यहाँ पर जो जबान से हम जिक्र करते हैं ना उसकी कसरत तो हम हर वक्त कर सकते हैं चाहे हम खाना बना रहे हों चाहे हम लॉन्ड्री कर रहे हो हम वॉक पर हों तो उस वक्त जितना हो सके अपनी जबान पर अल्लाह के जो जिक्र है उसको जारी रखें जो सेकंड पॉइंट जो हम साथ लेकर जा रहे हैं वो ये है कि नेमतों पर इतराना नहीं है और फखर और गरूर नहीं करना तो ये नियमतें अल्लाह ने दी हैं आजी इख्तियार करें सही तरह से इस्तेमाल करें उनको अपनी मलकियत ना समझें अल्लाह का तोहफा समझें और जो थर्ड पॉइंट है अलहद वो है जो हमने आज के सबक से सीखा के देने वाले बन जाए दें क्या कुछ दे सकते हैं बांटें लोगों में जो अल्लाह ने आपको दिया है उसको आगे यानी कि उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट करें इल्म है अच्छा मशवरा है शाबाश अच्छी बात है आपका वक्त है और आपका माल है और चेक करें आप घर में जो चीजें एक्स्ट्रा है रमदान आ रहा है जो चीजें एक्स्ट्रा है दे दें बहुत लोगों को जरूरत है अच्छे अपने कपड़े जो है अच्छी कंडीशन में वो दे दीजिए जूते बैग्स बर्तन जो कुछ आप दे सकते हैं इस चीज़ को जहन में रखें कि जब रमदान का महीना आता है तो रसूल तेज हवा से भी ज्यादा सखी हो जाते यानी कि जैसे तेज़ हवा जब चलती है तो हर एक को उसका एहसास होता है पता चल जाता है वो हर जगह पहुंच जाती है और बहुत जल्दी पहुंचती है तो ऐसे ही हमारी सखावत भी रसूल रसम की तरह से होनी चाहिए कि हम उसको फॉलो करें कि हर एक को कुछ ना कुछ फैस पहुँचाएँ कुछ दें कुछ बांटें कुछ ना कुछ जो है फ़ायदा पहुँचाएं क्योंकि बेहतरीन इंसान वो है जिसकी जात से दूसरों को फायदा पहुंचता है तो देने वाले बन जाए इन शाह त साथ अलहमद हमारा आज का रिव्यू मुकम्मल हो गया

اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني